और This काफी सारी, conference will now be recorded. हेलो, तो काफी सारी साइंटिफिक चीजें भी उसमें आती हैं। तो जैसे कि जो उत्तरा खास तौर पे कुमाऊं जो रीजन है उसमें जो नॉलर सिस्टम है, दैट इज अ हाईली जो साइंटिफिक सिस्टम है जो हम आज भी उसमें देखते हैं। तो एक्यूपर से जो सीपेज है, बेस फ्लो है, वही वो ट्रेडिशनल एक स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट है जो यहाँ पे करते हैं। वैसा ही एक स्ट्रक्चर जो हिमाचल में है, दैट कॉल्ड द बावड़िया उसको बोलते हैं। वैसा ही एक कश्मीर में जो चश्मे शाही या चश्मे इसको बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में यही जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम वहाँ धारे को मोहन या फिर दूसरे नाम से बोलते हैं, नागालैंड है या फिर नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल या दूसरे एरियाज हैं। तो सभी में अपने अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनकी वाटर मैनेजमेंट की। और ये जो सारी जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है, वो एक अहम रोल है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो सेंचुरी से, सदियों से वो पानी वो करके आए हैं। क्योंकि अभी गंगोली घाट की हम बात करते हैं, तो वहां से 12वीं शताब्दी में एक नौला था जो बना था, जो अभी भी वहां पे उस वो नौला मतलब सर्व कर रहा है पानी, उसमें उससे हम पानी यूज कर रहे हैं। तो अगर 700-800 साल पुराना कोई सिस्टम अभी तक चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसमें जो हाइड्रोलिक्स जो सिस्टम है वो बहुत मजबूत सिस्टम है, और वो जो सारी विजडम है उसको हमें साइंटिफिक कैसे वो कर सकते हैं। तो एक साइंस है जिसको हम हाइड्रोजियोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रॉक्स है उसकी एक अलग प्रॉपर्टीज है, जो इसकी जो पोरोसिटी है, परमेबिलिटी है, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि देयर इज अ टू टाइप ऑफ पोरोसिटी, वन इज द प्राइमरी पोरोसिटी एंड अदर इज द सेकेंडरी पोरोसिटी। प्राइमरी पोरोसिटी होती है जो रॉक की अपने पोर्स डेवलप होते हैं और उसमें जो पानी आता है उन पोर्स में, तो उसमें दो चीजें स्टोरेज होता है और उनमें एक ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर हमारे जो पूरे स्प्रिंग में पानी कितना रहेगा, कैसे सीजनल इसमें फ्लक्चुएशन क्या होंगी, सीजन ये सूखेंगे या वो करेंगे या सस्टेन रहेंगे, तो ये सारे जो चीजें हैं वो उसकी जियोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम इस जियोलॉजी में देखते हैं तो हिमालयन रीजन में हमारे पास देयर इज अ 5 टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। तो 5 तरह के धारे हैं, जिसमें डिप्रेशन स्प्रिंग है, जिसमें फ्रैक्चर स्प्रिंग है, जिसमें ज्वाइंट फॉल्ट या ज्वाइंट स्प्रिंग आता है, कॉन्टैक्ट स्प्रिंग आता है, और फिर जो कास्ट जो स्प्रिंग है जो लाइमस्टोन वाले एरियाज में आते हैं, तो वो सिस्टम हमारे पास है। तो अभी ये बहुत अहम हो जाता है कि किसी जो स्प्रिंग है उसकी जो हाइड्रो जो सिचुएशन है, हाइड्रोजियोलॉजिकल जो सिचुएशन है, उसकी जो बिहेवियर है, स्प्रिंग का बिहेवियर है, उसके लिए उसकी जो सर्वे है, हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे है, वो उसमें करते हैं। और वो एक जमीन पे मतलब फील्ड वर्क होता है, जीपीएस और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ब्रंटन, और ये सारे जो डाटा हम जियोलॉजिकल डाटा हम इकट्ठा करते हैं इन इंस्ट्रूमेंट से। तो इसमें हम उसका जो रिचार्ज एरिया है उसको डिमार्केट करते हैं। तो एक बार अगर रिचार्ज एरिया डिमार्केट उसका हो जाता है, तो उसके बाद जो सेकेंड लेवल पे होता है कि इसी एरिया में फिर हमें आर्टिफिशियल जो रिचार्ज है वो करना होता है, जो रेनफॉल का बारिश के मानसून के टाइम पे हम ये सारा करते हैं। पर जो इसके जो स्ट्रक्चर हैं ये हमें पहले से इसको डिजाइन कर लेते हैं। अब जो दूसरा तरीका आता है कि हम एक विलेज लेवल या के लिए वाटर सिक्योरिटी प्लान एक डेवलप करते हैं। तो ये जो प्लान होता है, ये सारे जो उस गांव में हमें जो वाटर डिमांड है उसकी, कितना पानी हमें चाहिए। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स है कि हमें 55 लीटर, 55 LPCD, 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी हमें पीने के लिए चाहिए, सॉरी पीने प्लस जो डोमेस्टिक जो जरूरतें हैं उसकी, उसको पूरा करने के लिए चाहिए होता है। तो इसी से हम पूरा एक डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं विलेज लेवल पे कि वहाँ की डिमांड कितनी है। तो वो डिमांड को के ऊपर फिर हम जो अवेलेबिलिटी है वो निकालते हैं कि उस वहाँ उस गांव में टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस कितने हैं और उन सोर्सेस का डिस्चार्ज कितना है। तो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम उसको लीटर प्रति मिनट, LPM जिसको हम बोलते हैं, तो उससे असेस करते हैं। और उस लीटर प्रति मिनट को हम कन्वर्ट अगर पूरा डे के हिसाब से करें तो 1440 से अगर हम गुणा करते हैं उसको, जितना धारे में जो लीटर पानी आता है, 1 मिनट में पानी आता है, तो उसे हम एक पर डे का डिमांड हम वो करे वो मतलब निकाल सकते हैं। तो अब हम वाटर बस्टिंग में दो चीजें करते हैं, एक उस
उस वहां पे कितना जरूरत पानी का है, और सेकंड में कितना अवेलेबिलिटी हमारे पास वहां पे पानी की है। तो अगर दोनों के बीच में अगर गैप निकलता है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए फिर हम जो रिचार्ज एरिया में हम जो रिचार्ज एरिया हमने हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे से निकाला है, तो उसमें हम रिचार्ज स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि कितना पानी आरटीवी से कितना वॉल्यूम हम उस एक्वीफर में उसको रिचार्ज करेंगे, ताकि हमारा जो उस गांव का वाटर सिक्योरिटी है वो उसमें पूरा हो जाए। तो इसमें क्योंकि स्प्रिंग एक नेचुरल फ्लो है पानी का, एक्वीफर से जो पानी आता है नेचुरल, उसमें कोई भी पंपिंग और उस तरह का जो एंटी नेचुरल या एंटी ग्रेविटी सिस्टम है वो नहीं होता है, ग्रेविटीफाइड सिस्टम ही है सारे हैं। तो इसमें ये कंटिन्यूसली जो फ्लोइंग है, तो वो फिर हम उसको वो करते हैं, उस गांव का एक पूरा जो जरूरतें हैं पानी की वो निकालते हैं। तो अगर इसमें एक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट का जो अगर हम प्लान बनाना चाहे, तो उसमें अलग अलग जो पैटर्न है वाटर यूसेज के, एग्रीकल्चर में हम कितना पानी चाहिए, हमें ड्रिंकिंग के लिए कितना चाहिए, और एनिमल या डोमेस्टिक ये रिक्वायरमेंट है इसके लिए हमें कितना पानी चाहिए, तो ये सारे डिफरेंट यूसेज जो वाटर के हैं वो अलग अलग जो यूसेज हैं उनके लिए हमें कितना पानी चाहिए होता है, तो उस हिसाब से फिर हम उस गांव में प्लान कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं उसको। तो जो टेक्निकल रिपोर्ट होती है हमारी, जो डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट होती है, वाटर बस्टिंग का जो ये होते रिपोर्ट्स होती है, तो सेकेंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है उसका। तो इसको हम जो लोकल लैंग्वेज है, जो टेक्निकल जो रिपोर्ट्स है हमारी, उसको हम लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लोकल जो वहां के लोग हैं उनके साथ मिलके बैठ के उनको उनके साथ शेयर करते हैं, तब फिर एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पूरा उनके लिए एक प्लान बनाया जाता है। और इस प्लान में सारी चीजें किया जाता है, जैसे अगर हमने रिचार्ज एरिया का लैंड यूज या लैंड ओनरशिप हमने देखा है, तो लैंड ओनरशिप के लिए फिर उन लोगों के साथ बात की जाती है जिनकी जमीन वहां पे उस रिचार्ज एरिया में आती है। तो रिचार्ज एरिया में जो फिर उनके साथ वो सारी चीजें जो बात किया जाता है, तो उसमें कौन से स्ट्रक्चर डिजाइन होंगे, उन स्ट्रक्चर का डायमेंशन क्या होगा, और वो स्ट्रक्चर स्लोप स्लोप के साथ जो हम जैसे स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंचेस होती है, वो हम स्लोप के साथ वो उसके जो डायमेंशन है वो हम वो डिजाइन करते हैं उनको, कि अगर स्लोप इज लेस देन 20% तो उसका जो डायमेंशन होगा वो 3 मीटर के आसपास, 3 मीटर लंबा होगा, 0.6 मीटर चौड़ा होगा, 0.6 मीटर गहरा होगा। इसीलिए अगर स्लोप ज्यादा 30% के आसपास आ जाता है, तो उसके बाद उसका जो लेंथ है उसको हम 2 मीटर के आसपास कर देते हैं, और उसका जो चौड़ाई और गहराई है वो 0.45 मीटर के आसपास आ जाता है। तो इसी तरह जो स्ट्रक्चर है वो साइंटिफिक तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। और इसमें जो क्योंकि अगर बड़े स्लोप पे हमने इफ स्लोप इज मोर देन 40% या 50%, 50% के स्लोप के ऊपर हम नहीं जाते हैं उसमें, कि क्योंकि उसकी वजह से फिर लैंड यूज सॉरी लैंडस्लाइड या फिर दूसरी चीजें हो सकती हैं जो कि दिक्कतें क्रिएट कर सकती हैं पूरे एरिया के लिए, और जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देखते हैं। तो इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत अहम रोल है इसमें, तो ये सारा प्लान उसमें बनाते हैं। और इसमें ये होता है कि जो रिचार्ज एरिया है, जो रिचार्ज का वॉल्यूम है वो कितना हमें उसमें चाहिए होगा, ताकि वो जो हमारी वाटर डिमांड हमने और उसके बीच में जो गैप निकला था उसको फुलफिल कर पाए। प्लस हम सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि लेट्स अगर हमने किसी गांव में काम कर दिया है, तो विद इन 2 या 3 ईयर्स वो डिसिल्टिंग और जो प्रोसेस है वो फिर शुरू होगा उसमें। तो डिसिल्टिंग होगा तो उसमें लेट्स कि आपने 6.6 मीटर या 60 सेंटीमीटर गहरा कोई आपने स्ट्रक्चर डिजाइन वो किया है, तो उसमें अगर पर ईयर 0.10 या 0.15 जो मीटर या 10 सेंटीमीटर के आसपास अगर उसमें सिल्ट हर साल भर रहा है, तो वो एक कैलकुलेशन बन जाती है कि आपके आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिचार्ज के लिए 3 साल काम करेगा या फिर 4 साल करेगा। उसी हिसाब से आप उसको डिसिल्टिंग के लिए बोल सकते, कम्युनिटी के साथ ही बात कर सकते हैं कि अब हम इसको 3 साल बाद इसको डिसिल्टिंग करेंगे।
तो ये जो सारी चीजें हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इन सभी चीजों को एक प्रोजेक्ट मोड में और उस मोड में बात करते हैं कि हम प्रोजेक्ट मोड के साथ ही इसको करेंगे, बट मुझे ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट मोड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है 2 या 3 साल होता है, उसके बाद वो सारा सिल्ट उसमें आ जाता है और दोबारा से जहां पे आपका डिस्चार्ज था बेसलाइन वाला, तो फिर से आपका डिस्चार्ज वहीं पे आ जाता है। तो जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये सारी चीजें शेयर किया, जिसमें जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ, तो हमने एक पूरा स्प्रिंग साइट पे ऊपर एक गाइडलाइन भी बनाया है उसमें, जो हिमो टाटा ट्रस्ट का एक रोल है और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में अभी जल जीवन मिशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस था वो था उसमें कि हम ऑपरेशन और मेंटेनेंस और एक वाटर को, जो मिनिस्टर साहब का भी बहुत इसमें फोकस है कि वाटर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप में ना रखा जाए, बल्कि इसको सर्विस सेक्टर की तरह एक डेवलप किया जाए, कि वंस, क्योंकि जैसे अभी कई सारे जो सेक्टर हैं वो सर्विस सेक्टर के रूप में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है या टेलीकॉम है, तो वाटर को भी हम उसी तरीके पे देखें कि ये हमने एक बार, ये नहीं होगा कि हमने पाइपों का जाल और ये सब बिछा दिया और इसमें वो हो गया, बल्कि हम इसको एक सर्विस सेक्टर के रूप में करें कि जिसमें गांव के लोगों का जो पार्टिसिपेशन हो और उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग हम उसमें करें। तो और वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि गांव ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो चीजें होनी है, लॉन्ग टर्म डिसिल्टिंग और ये सारी चीजें होनी है, वो तो जो विलेज लेवल की जो कमेटियां हैं हमारी, उन्हीं के साथ होना है। तो ये जो सारे काम होंगे वो एक लॉन्ग टर्म बेस पे हो, और इसमें जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन था, जो अभी उन्होंने 30 ईयर्स का रखा है प्रोजेक्ट, कि जो इस इतने टाइम के लिए हम किसी स्कीम को डिजाइन करेंगे। तो ये जो सारे चीजें हैं, हम रिसोर्स की बात करते हैं और उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं, जो डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है, वाटर गवर्नेंस है, उसको हम इसमें प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये काफी अहम हो जाती हैं। और जल जीवन मिशन में इसमें 3 एरिया जो कंट्रीज के हैं वो है कि हिमालयन एरिया है, जिसमें हमारे 12 हिमालय स्टेट हैं, और थोड़ा सा बंगाल का भी हिस्सा आता है उसमें, आसाम का हिस्सा आता है, बाकी वो पूरे स्टेट है हमारे पास, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जो स्टेट हैं, प्लस सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट हैं जहाँ पे थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन है। तो ये जो नंबर है, कुल मिला के 22 स्टेट को हम, वी आर जस्ट कवरिंग दिस अंडर द स्प्रिंग साइड अप्रोच अंडर JJM, एंड 152 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें जहाँ पे इसपे स्प्रिंग के ऊपर काम होने हैं। और ये जो 4 मेन पहलू है, साइंस बेस्ड अप्रोच होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से होगा, और गवर्नेंस इसका इम्पोर्टेंट चीज है, और इसकी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और दूसरा है कि अभी सिचुएशन ये है कि COVID-19 की वजह से लॉकडाउन है, लगभग हम पिछले 40 लगभग 40 दिन से हम लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं, और आगे भी एक अनसर्टेनिटी, मतलब निश्चितता नहीं है कि कब ये सारी चीजें वो होंगी। तो काफी सारा जो प्रोग्राम्स होंगे उसके ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो जो दूसरा चीज है, क्योंकि पीक सीजन चल रहा है इसके लिए, जो सॉरी लीन सीजन है जो इसके लिए चल रहा है, समर सीजन है, पानी की बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। और दूसरा है जो हमारी प्रैक्टिसेस है, हमें बिहेवियर चेंज, और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी बोला जा रहा है कि लगातार आप हाथ धोने हैं और ये सारी चीजें हैं, तो इसमें पानी का जो कंजप्शन है वो काफी बढ़ गया है। तो ये एक तरफ तो आप, हमारा जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो हम इसमें इस एरिया में, क्योंकि काफी अहम टाइम है जब हम रिचार्ज और इसकी प्लानिंग करते हैं, प्री मानसून का जो पीरियड होता है, तो वाटर रिसोर्सेज के लिए काफी क्रिटिकल ये टाइम है। और कैसे हम, और दूसरा चीज है जो हमारे खास तौर पे पहाड़ के लिए है, कि बहुत ज्यादा जो टैप कनेक्शन या हाउस होल्ड लेवल के कनेक्शन हमारे पास नहीं है, तो हाउ टू मेंटेन दिस सोशल डिस्टेंसिंग, जब हम पानी भरने के लिए जाते हैं नाले पे, धारे पे, वहां पे वाटर कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो हाउ टू मेंटेन दिस सोशल डिस्टेंसिंग जो अप्रोच है। तो इसके लिए एक टाटा ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाया है, जिसमें लगभग बड़े जो फिल्म स्टार है, क्रिकेटर्स हैं, या फिर जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज हैं,
उनके साथ भी वो एक वीडियोस है और बिहेवियर चेंज का एक कैंपेन है, तो वो एक चला हुआ है और अक्रॉस द कंट्री आई थिंक लगभग 20 मिलियन जो लोग हैं उन तक वो पहुंचेगा ये कैंपेन। तो एक बड़ा रूप है, उसको लेके भी हम काम कर रहे हैं। और एक इसका जो कोपिंग मैकेनिज्म है, कैसे ये चीजें होनी है, तो उसके ऊपर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जा रहे हैं। काफी ऐप और जो अदर टेक्नोलॉजी है, जो सैटेलाइट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि कैसे हम अगले साल जो अगर इसमें प्लान करना है और ये टाइम हमारे पास नहीं है, तो सैटेलाइट डाटा या दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो कितना हेल्पफुल होगा ताकि हम ये जो टाइम लॉकडाउन का टाइम है इसको मैनेज कर पाए और इसको एक जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट भी कर पाए इसको, ताकि हमारी जो वाटर रिसोर्स प्लानिंग है वो बेहतर रहे। जी थैंक यू जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर सुरेश शर्मा जी, आपने काफी अच्छी और बड़ी डीप नॉलेज हम सभी को दी है, जिसमें जी सर, आपने बताया कि पानी भरने भी जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके जाएंगे, साथ ही साथ जल जीवन मिशन के बारे में आपने जानकारी दी, एक्वीफर मैपिंग के बारे में दी, जियोलॉजी के बारे में दी, और बहुत सारी इस तरह की आपने इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि COVID-19 परस्पेक्टिव में हम कैसे कैसे करके पानी को हाथ भी धुलते रहे और लेकिन पानी को बर्बाद भी नहीं होना चाहिए, पानी हमको मित्रता के साथ में प्रयोग करना है ताकि जल की उपलब्धता, आने वाला समय गर्मियों का है तो सभी को पर्याप्त मात्रा में जरूरत के अनुसार पानी मिलता रहे और पानी की बचत भी हो और हम सभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और अपने जो सरकार की गाइडलाइंस है COVID-19 के अकॉर्डिंग हम अपना हाथ बार बार धुलते रहें और जो आगे की चीजें हैं वो करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी, आप टाटा ट्रस्ट से हमारे साथ जुड़े हुए थे और जी हमारे अभी थैंक यू इस प्लेटफॉर्म में जो कार्यक्रम हो रहा है गो टू मीटिंग के माध्यम से, उसमें हमारे साथ भारत सरकार के दो विभाग हैं जो पानी की फील्ड में काम करते हैं, एक है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जिसका मुख्यालय देहरादून में है उत्तरांचल रीजन का, और जो भारत सरकार का एक दूसरा बड़ा विभाग है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, वहां से हमारे साथ ओमकार जी जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों का हमको अभी संबोधन प्राप्त होगा। और मैडम मेघा प्रकाश जी जुड़ चुकी हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से, एनवायरमेंट डिवीजन के HOD डॉक्टर विजय जी जुड़े हुए हैं जो हमारे सर के हरिद्वार जिले के कोऑर्डिनेटर भी हैं, विक्रांत जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर मयंक तिवारी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कपिल सूरी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री रवि कल्याण जो सीनियर हाइड्रो जियोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने बहुत सारा दून वैली को लेकर के पूरे उत्तराखंड की जो ग्राउंड वाटर है उसको लेकर के अध्ययन किया हुआ है, और सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपने हैदराबाद और केरल में काफी काम किया है, स्टडी की है और अभी वर्तमान में उत्तराखंड को देख रहे हैं, तो आपके पास नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया की भी नॉलेज है, तो मैं श्री रवि कल्याण भूसा जी से अनुरोध करूंगा जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि वो भी हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। श्री रवि कल्याण जी हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? हेलो। यस सर, यस सर, यू यस आर ऑडिबल सर, हेलो, यू आर वेलकम हियर। या राइट, या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वी रियली थैंकफुल टू यू सर फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी to meet you all and see you like this manner. Though we have undergoing lockdown experience, but it is so joy to see you all like this manner. I would like to just say a few points about Doon Valley, about Doon Valley and the groundwater management in the management practices in the Doon Valley. Basically, Central Groundwater Board monitors water levels, which is a very important component in the area. This water level we monitor 4 times in a year, especially pre-monsoon, that is in the month of May and August during monsoon, and post-monsoon is in November, and to see the stability of the water levels in the month of January. So here in our Uttarakhand state, we monitor in two plain districts completely, that is Haridwar and Udhamsingh Nagar,
and partially hilly districts, Dehradun and Nainital. In Dehradun, we monitor water levels in the Doon Valley, and in the Nainital district, only Ramnagar and Haldwani. Rest of the some of the places in the hilly terrain, we also monitor springs and see how the discharge varying with respect to the time and space, especially with respect to the rainfall. If you come to Doon Valley is like a intermountain valley where we can see it's like intermountain. It's like a U-shaped valley where the water flow comes to Doon Valley. So that's why we could see. That's why we can see the rivers are at the in the lower portion of the U Valley, something like that. Especially the rivers that are originated from the both the ends of the Sivaliks, lower Sivaliks and upper middle Sivaliks of the Doon Valley, they flow towards the valley portion. The water levels are shallower in the Doon Valley, and as you go away from the rivers, the water level increases. But as you come towards a valley portion, the water levels become shallower. The groundwater occurs in Doon Valley in maximum places, unconfined nature. In some places, water levels are shallower. In some places, water levels are deeper. At shallower places, the water level starts from around 4 meters below ground level. And as you go away from the rivers and towards the hills, the water levels are deeper. So we have a network about 40 locations, observation points in entire Doon Valley. In the deeper areas, water levels are more than 160 meters. We have observed at one place, if you know this area, Hathi Badkala, Vijay Colony, where water levels are more than 160 meters. So if you go from our, say, for example, Ballupur towards Vikas Nagar, the water levels are becoming shallower towards the rivers. And as you go away from the rivers, water levels are deeper. And for example, if you come towards Rajpur Road, water levels are deeper. For example, this NHO office and then proper Rajpur, water levels are more deeper. Even in President Estate, it's a nearby NIVH, Blind National Visually Institute, where water levels are more than 140 meters. This is below ground level. Just to touch the water level, we have to go up to the 140 meters. In the month of January, it happened to visit National Hydrographic Office. It's a defense establishment where the existing tube wells have been defunct, and they have invited us to give technical inputs, and there we have measured about around 110 meters and completely it's dry up. Now they are looking for some of the opportunities to how to survive and get the water. But though they are trying to get this water through tankers or by public supply distribution, but this may not be sufficient for the defense establishment. So now Dehradun is at the verge of blinking water scarcity. This is going to be a serious issue in the days to come. So it is a time of argumentation where we need to
augment the water and conserve the water. This is the need of the hour. So I request all our dignitaries and invited members kindly encourage people to go for rainwater harvesting and artificial recharge measures to groundwater. For example, every house can have rainwater harvesting method where we can harvest the water and it can be reused during the lean period, that is in the April, May and June till we get the monsoon. This is a need of the hour in this Doon Valley. But in some places, we should also go for artificial recharge measures to groundwater. For example, if you have a large rooftop area and where you can collect the water, you can store and partially you can also replenish the aquifer by allowing water to pass through the filter media. And for this kind of technical guidance, CGWB Dehradun is always willing to help people, and we can also provide available literature and we can share our technical inputs to practice this kind of artificial recharge measures to groundwater. But before doing that, we should also see the water quality, whether this water quality is appropriate or not, because even the suppose sometimes gutter and drain water, this water cannot be recharged into the aquifer. Once when the recharge done to such aquifers, if it gets polluted, it is very difficult to restore those aquifers. Of course, earth has a different layers, but still, since we are artificially recharging, if it happens naturally, infiltrating and reaching to the aquifer through the earth mediums, then it is fine. Otherwise, when we are making it directly, allowing this drainage into the aquifer, this is not a good practice, where we need to see all the proper treatment, and after proper treatment only we need to recharge the groundwater. So we also have to see, as my previous speaker Dr. Suneshji has shared his knowledge about in the various hilly terrain and various spring rejuvenation programs and the water quality management and assessment, they are doing a wonderful work. And it's a time to work together with government organizations and NGOs, work together and share their knowledge so that we can really reach out to the communities and we can encourage people to participate in this large movement. And especially in our hilly terrain during the lean season, people experience a tremendous and acute water shortage in the hills because of the scanty rainfall, and then the springs gets dried up, and lack of proper recharge plants in the higher reaches of the springs. So we need to identify the recharge areas for the springs, and then there only we need to demarcate those areas as a spring sanctuaries, so that a sanctuary is like a place where nobody can enter into it, and nobody destroys or abuse that place. So like even animals, cattle also will not go and destroy those places through their excreta, open defecation, like that. We need to demarcate those areas and keep them as a spring sanctuaries of the recharge area, so that those if we do all the treatment facilities, treatment activities in that recharge area, the springs gets continuously recharged, and then that can give a sustainable yield throughout the year. The while doing these activities also, this enhances the spring water quality also. Probably Suneshji might have explained all those things. They have been doing wonderful work in the hilly areas associating with the rural populaces. So I would like to mention here also, the National Water Award Program has been initiated by the Ministry of Jal Shakti, the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. Our state has been given 13 entries. Out of 13, two entries have been come under the prize winning categories. One is at
Pindro village in Bhimtal. They have been doing wonderful work. And another one in Rudraprayag, Chirbatia area, Rudraprayag, you have to go via Tehri. There they have been doing a wonderful work, Chirbatia village. It's a border village between Rudraprayag district and Tehri Garhwal district. It is end of the Tehri Garhwal and the just other side of the Rudraprayag. They also have been doing a very wonderful work by harnessing the water and various artificial recharge measures to groundwater in the hilly area, and they themselves are managing and distributing to the local public. So these two villages have been awarded at the national level. So even our little efforts can be brought a lot of recognition and significance at the national level. So this is worth mentioning here. These two villages, they when the officers along with the central team, I happened to visit these places, they have done with their local traditional knowledge and wisdom, and nobody taught them scientific methods or advanced technological methods, but based upon their traditional wisdom and understanding, they have been doing this work, and they have got the widely recognition now. And once after this lockdown is done, they may be called for this award collection. So I encourage all our NGO friends, you try to encourage people in the mass scale in the rural areas to by taking up the this water management practice as a large movement, and to solving our own water crisis. Last year, Shimla happened to be the our Indian cities to be shut down during the May because of the water crisis, and they themselves are not able to provide water facility to tourists and their own local population. So we need to be aware, and we need to awake for taking up this artificial recharge measures to groundwater. If we come to Doon Valley, we have to adapt rainwater harvesting and artificial recharge measures to groundwater. This will really help because the eastern part of the Doon Valley is experiencing tremendous water crisis, and the western part is still it is able to sustain. But only thing is that we need to see where we are deploying our groundwater abstraction structures. We need to take up geophysical methods or some remote sensing satellite studies, and then we need to go for abstraction of the groundwater structures. For example, if you see this Rajpur side, because of the physiographical conditions of the Doon Valley, there it is a little bit elevated, and water table always follows the topography, and where the hydraulic gradient is so high, the entire water runs towards the rivers. So we need to see it carefully, and where our structures are going to be deployed. This is the one aspect, and other aspect is that we need to deploy two wells, like abstraction structures all along the river, so that you use water as much as you want, and once when the rainfall takes place, entire all these wells gets replenished. This work has been done at Palla fields in Delhi, in the Yamuna River, all along the floodplain areas of the Yamuna River. They have drilled several wells. It's called battery of fields of wells. So where they have drilled so many wells, and they continuously pump the water, and entire this water is being supplied to Delhi. So you can imagine the quantum of water is being abstracted through these tubules. All this abstraction quantum would be replenished with one or two good amount of rains. So, but it is so sad to see our state that
our floodplain deposits have been constructed, all the structures. So we need to be aware that the at least leave some areas as a floodplain deposits where it gets replenished during monsoon season. So instead of drilling cluster of wells in the areas, but because this exercise is not done in our Doon Valley, and then if we can do it like this, and then we can see the water levels gets maintained and it can be sustained. It's not only that, the life expectancy of the tubewells also increases. Otherwise, what happens if at least the distance between the at least two, three tubewells should be minimum of 300 meters minimum. Otherwise, what happens, the cone of depression interacts with the other tubewell, and then both the tubewells gets choked up. Or otherwise, we have to do at least one tubewell, maybe run at a time, so that we can see these giving good amount of discharge. So at the end, I would like to encourage all our friends that kindly take large scale movement of this artificial recharge and rainwater harvesting methods, so that we can able to get amount of sufficient water, and we can pass it on to our next generations. CGWB also does a water quality in this observation wells, and this water quality data is also available with us. Based on that last year quality data, in some of the places in Udham Singh Nagar, some arsenic traces have been traced. Arsenic, this is to be further studied, and then only it can be further commented upon. I would like to thank all the participants, and Dr. Bhavatoshji, who has invited me, and thank you all, because I had to attend another meeting, so I'm rushing quickly. Meanwhile, I took permission from there, and then I joined here. And thank you all. Have a good day, and be stay at home and be safe. Thank you, Lord, sir, for a very informative lecture on groundwater, especially Doon Valley. It is a subject of pleasure for us, for our Uttarakhand, for the selection of two villages for national awards. Thank you very much sir. अब हमारे कार्यक्रम में भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो एक बड़ा डिपार्टमेंट है उसमें एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है इंजीनियर ओमकार सर के बारे में थोड़ा सा बताना कि वो रुड़की में आने से पहले J&K में लेक्स रिजुविनेशन पे काम कर चुके हैं, और वर्तमान में करंट सिचुएशन में उन्होंने हरिद्वार के पास इब्राहिमपुर विलेजेज के आसपास पॉन्ड्स को रिजुविनेट किया है। बायोरिमेडिएशन टेक्निक्स को भी वहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाया गया है, और बहुत सारा उसका अच्छा रिजल्ट्स भी उन्होंने हमें दिखाए थे। पहली बार यूजर आए थे तो काफी कुछ बताया था, तो मैं इंजीनियर ओमकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो NIH रुड़की में उनके द्वारा किए जा रहे संस्थान द्वारा किए जा रहे वाटर रिसोर्सेज के कार्यक्रमों के बारे में और अपने करंट शोध के विषय में हम सभी को मार्गदर्शन देंगे। श्री ओमकार सर। हेलो महापुर जी, आवाज आ रही है हमारी? हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है? डायरेक्टर साहब सब प्लीज सर। हाँ, आवाज आ रही है महापुर जी? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए सर। प्लीज सर। हाँ नमस्कार सभी को, हमारा महापुर जी और आपके डायरेक्टर साहब को भी हमने सुना था, पंत सर को, तो उनको भी हमारा नमस्कार। और बाकी जो हमारे इससे पहले कई हमारे मंत्रालय के और बाकी जो एक्सपर्ट्स बोले, बहुत अच्छा उन्होंने अपना जानकारी दी, दिनेश शर्मा जी और अभी जो ग्राउंड वाटर बोर्ड से जो बोल रहे थे हमारे साथी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में, जैसा कि भावतोष जी ने बताया कि मैं वैज्ञानिक हूँ, और मैंने जम्मू में करीब 10 साल वर्क किया है, जिसमें हमारा वहाँ ग्राउंड वाटर क्वालिटी पे है और कुछ हमारा झीलों पे वर्क रहा है, जिसमें मानसर है, सुरेंसर है, इस तरह की झीलों पे रहा है। और यहाँ हमारे दूसरा जो हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील पे हमने वर्क किया हुआ है, उसके बाद हम लोग यहाँ
जब राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान हमारा जो हेड क्वार्टर है इनका ये रुड़की में है, तो हमारे यहाँ करीब 250-300 के बीच करीब हमारा जो साइंटिफिक स्टाफ और साइंटिस्ट ये सब मिला के हैं, 80 साइंटिस्ट हैं करीब। और आ रही आवाज हमारी भावतो जी? हेलो, सर आपकी आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए प्लीज बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है। तो जो हमारा जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जैसा कि आपने अभी परिचय कराया था कि ये रुड़की में हमारा हेड क्वार्टर है, और इसके अलावा हमारे 6 रीजनल सेंटर्स हैं। तो 6 हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं, जहाँ हमारे जैसे एक जम्मू में हमारा रीजनल सेंटर है, इसके अलावा गुवाहाटी में एक रीजनल सेंटर हमारा है, पटना में एक रीजनल सेंटर है हमारा, और भोपाल में जो पहले सागर में हुआ करता था वो भोपाल में एक सेंटर है हमारे। इसके अलावा साउथ में एक काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे हमारा सेंटर है, और बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है। ये हमारे 6 रीजनल सेंटर हैं जिसके वहाँ पर हमारे साइंटिस्ट और कुछ स्टाफ रहते हैं। तो वहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं जल संसाधन के क्षेत्र उस पर वर्क करते हैं। और हम लोग हेडक्वार्टर में एक्चुअली जो है, जहाँ तक हमारे हेडक्वार्टर का वो विषय ही, हमारे 1978 से हमारा जो संस्थान वर्क कर रहा है इस क्षेत्र में। तो ये अभी जैसा कि इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स में हम लोग हुआ करते थे, अब रिसेंटली अभी मोदी गवर्नमेंट में हम लोगों के जो मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अधीन जो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन में जो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो बनाए हुए हैं, उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। और जहाँ तक ये रुड़की का सवाल है, तो रुड़की में हम लोग एक्चुअली हमारे बहुत सारे जो थ्रस्ट एरियाज हैं वो मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिसमें हम लोग जो थ्रस्ट एरियाज हैं, जिसमें हमारे वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर मॉडलिंग एंड मैनेजमेंट, फ्लड एंड ड्राउट प्रेडिक्शन एंड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, स्नो एंड ग्लेशियर मेल्ट रन ऑफ एस्टिमेशन हमारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, प्रेडिक्शन ऑफ डिस्चार्ज इन अनगेज्ड बेसिन्स भी वर्क कर रहे हैं कुछ लोग, वाटर क्वालिटी असेसमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हाइड्रोलॉजी ऑफ एरिड सेमी एरिड कोस्टल एंड डेल्टाइक जोन में हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, और रिजर्वायर एंड लेक स्टडीज भी वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स हैं, आइसोटोप टेक्निक्स हैं, उस पर भी हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ विधिवत काफ़ी जो हमारे जो संस्थान में लेबोरेटरीज हैं इस वर्क करने के लिए, तो हमारे यहाँ जो लेबोरेटरीज में हमारे यहाँ एक अच्छी खासी जो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की लैब है, सॉयल एंड वाटर स्टडी करने के लिए सॉयल एंड वाटर का लैब है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी के लिए भी उसमें हमारे यहाँ एक लैब है, इसके अलावा वाटर क्वालिटी के लिए स्पेसिफिक लैब है, आइसोटोप स्टडीज जो हम लोग जो करते हैं उसके लिए लैब है। तो इन लैब्स में हमारे जो साइंटिस्ट और स्टाफ जो ऑल ओवर इंडिया से जो स्टडीज होती है उसके तहत बहुत सारे जल और मिट्टी के नमूने लाते हैं, उनका हम लोग अध्ययन यहाँ करते हैं। और जहाँ तक हमारा जो व्यक्तिगत है, एक्चुअली हम यहाँ रिसर्च मैनेजमेंट एंड आउटरीच डिवीजन में वर्क कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो हेड डॉक्टर बीसी गोयल साहब इसको हमारे डिवीजन को हेड कर रहे हैं, अभी वो एक मीटिंग में व्यस्त हैं, तो हो सकता है अभी बीच में ज्वाइन करें। तो इसमें आरमोड के क्षेत्र में अगर देखें रिसर्च मैनेजमेंट एंड आउटरीच डिवीजन में, तो हम लोग आउटरीच एक्टिविटीज के साथ साथ हमने जैसे भावतो जी ने बताया कि हम लोग रिजुविनेशन ऑफ विलेज पॉन्ड्स, तो अभी हाल में ही हम लोग 2-3 साल में हरिद्वार जनपद में एक तालाब को हमने रिजुविनेट किया हुआ है, और उस तालाब को रिजुविनेशन के बाद हमने उसमें नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, जो गांव का जितना वेस्ट वाटर आ रहा है उसको नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम के माध्यम से, जिसमें फाइटोरेमेडिएशन टेक्निक से हम लोग पानी को शुद्ध करके तालाब में छोड़ रहे हैं, और उसका हम पानी का जो बेनिफिशियल जो यूज है इरिगेशन और फिशरीज के लिए लिमिटेड तौर पे हम लोग उसको ग्राम पंचायत के माध्यम से उसको करा रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं, जो हमारे पॉन्ड रिजुविनेशन स्टडीज में यूनाइटेड किंगडम से सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी, जो यूनाइटेड किंगडम की एक टीम है हमारे पास, वो लोग भी फ्रिक्वेंटली 5-6 महीने में यहाँ आते हैं, और वो लोग भी सैंपल्स यहाँ पे हमारे तालाबों को लेके जाते हैं जिसमें हमने रिजुविनेट किया हुआ है, और जो एक जिसमें कोई हमारा इंटरवेंशन नहीं, उस तालाब को हमने एक रेफरेंस हम रखे हुए हैं, और उसके भी हम लोग सैंपल्स ले रहे हैं। तो आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है हमें कि जो वहाँ उन्होंने सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी ने जो रिजल्ट हमें इवन मीथेन के भी भेजे हुए हैं, तो जो मीथेन एमिशन जो पॉन्ड में जहाँ हमने वर्क किया हुआ है, नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम जहाँ लगाया हुआ है, तो
वहाँ मीथेन के एमिशन में काफी कमी आई हुई है, रदर इन इन जो दूसरे तालाब है उनके तुलनात्मक जो अध्ययन हमने किया हुआ है। बाकी जो गांव से जो वेस्ट आता है, ऑर्गेनिक्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसमें तो रिडक्शन है ही, और वाटर क्वालिटी काफी इम्प्रूव हुआ है तालाबों का। इसी पैटर्न पे हम लोग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में करीब 20-21 तालाबों में वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे डिवीजन के कुछ एक्टिविटीज। इसके अलावा हम लोग डीएसटी के भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है, जिसमें इनोवेटिव सेंटर फॉर इको प्रोडेंट वेस्ट वाटर सॉल्यूशंस। तो इसमें हमारे एनआईएच के अलावा हमारे 2-3 पार्टनर हैं, हम लोग आईआईटी बॉम्बे, एमएनआईटी जयपुर, इसके अलावा इरमा आनंद, ये हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ में हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे हम लोग अभी एक प्रोजेक्ट लिए हुए हैं, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ साइंटिफिक जो हमारे जो डिवीजन लेवल पे हम लोग हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग मुख्य काम एक हो रहा है कि आउटरीच एक्टिविटीज। तो आउटरीच एक्टिविटीज में हम लोग चली फ्रिक्वेंटली हम बहुत सारी एक्टिविटीज स्कूलों में, गाँव में, और कुछ एग्जीबिशंस हम लोग जहाँ होते हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो गए, और भारत कुछ साइंस एग्जीबिशंस हैं, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को हम लोग अवेयर करते रहते हैं, स्कूल के बच्चों के लिए, गांव के लिए। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग्स भी बहुत करते हैं स्टेक होल्डर्स के लिए। अभी रिसेंटली हमने अभी फरवरी में एक ट्रेनिंग किया हुआ था, जिसमें अभी हमारे साथी बता रहे थे, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो जितने भी इंजीनियर्स हैं हमारे राजस्थान स्टेट के, करीब 30 पार्टिसिपेंट, उनको हमने अभी फरवरी में ट्रेनिंग कराया हुआ है। बहुत सारे हमने यहाँ पर उनके जो टॉपिक्स थे जिसपे उनको जानकारी दी, मोस्टली उसमें हाइड्रोलॉजी हैं, वाटर रिसोर्सेस हैं, वाटर कंजर्वेशन हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हाइड्रो जियोलॉजिकल मैप्स हैं, किस तरह उसको यूज करना चाहिए, बहुत सारे संस्थाओं ने बनाए हुए हैं, इस तरह की उनकी डिमांड थी। वाटर बजटिंग का भी दिनेश सर ने बताया था कि काफी अच्छा उन्होंने बताया था कि कितना पानी वाटर बजटिंग किस तरह करना चाहिए गांव लेवल। तो वो लोग भी हम लोग स्टडी और लेक्चर के माध्यम से लोगों को बताते हैं। और जिज्ञासा कार्यक्रम के साथ में भी हम लोग CSIR के साथ हमारे लोग आते हैं, उनके साथ भी हम लोग बच्चों को अवेयर करते रहते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज कुछ ब्रीफली जो मैंने आपको बताई, ये हम लोग इस संस्थान में कर रहे हैं। बाकी आपके यूसर के साथ भी कई हम लोगों ने, जैसे जन संरक्षण पे देखा होगा कि हम लोग जो आप लोगों ने मैनुअल बनाया था उसमें भी कंट्रीब्यूट किए हुए हैं, और जल संरक्षण पे हमारी फिल्म भी हमने एक 10 मिनट्स की बनाई, वो भी संभवतः आपको हमने प्रोवाइड कराई थी, जो अवेयरनेस करने के लिए आम पब्लिक और बच्चों में। तो इस तरह हम लोग बाकी संस्थानों के साथ भी, आप लोगों के साथ भी क्लोजली इंटरेक्शन करते रहते हैं। तो ये सब एक ब्रीफली जो हमने आप लोगों को बताया, संभवतः बाकी और डिटेल में हमारे साथी जुड़े होंगे, वो अपने अपने एरियाज में आपको अवगत कराएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद भावतोष जी, जो आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से चर्चा करने का। ओके, थैंक यू भावतोष जी। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत क्या क्या प्रदेश में और देश में काम कर रहा है, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमें यूसर को और NIH कई बार प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और आपका NIH का निरंतर यूसर को सहयोग मिलता है। यूसर ने वाटर कंजर्वेशन, वाटर क्वालिटी एंड हेल्थ हाइजीन पर जो ट्रेनिंग मैनुअल बनाया है उसमें NIH से पूरा सपोर्ट मिला है, और NIH के कोलेबरेशन में हमने काम किया हुआ है। साथ ही साथ वो जो भी हम वाटर क्वालिटी ट्रेनिंग्स या वाटर अवेयरनेस ट्रेनिंग्स करते हैं उसमें NIH, CGWB और ये टाटा ट्रस्ट और बाकी जितने भी हमारे संस्थान हैं सभी कोलैबोरेशन में करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, काफी अच्छा आपने समय दिया। वो भी इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वागत करता हूँ। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे अल्मोड़ा से जुड़े हुए स्याही देवी से श्री गजेंद्र पाठक जी हैं, उन्होंने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है और उन्होंने फॉरेस्ट को डेवलप किया हुआ है, एक स्याही देवी घर भी बनाया हुआ है वो किसानों के लिए है। तो मैं अभी अनुरोध करूंगा कि हमारे श्री गजेंद्र पाठक जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना वक्तव्य देंगे और हमें ANR टेक्निक जो है उसके बारे में हम सभी को कि वो ANR टेक्निक क्या होती है, फॉरेस्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने सीमित संसाधनों में। तो मैं वेलकम करता हूँ श्री गजेंद्र पाठक जी।
धन्यवाद सर। शर्मा जी नमस्कार, डॉक्टर दुर्गेश पंत जी और सभी महानुभावों को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि मैं गजेंद्र कुमार पाठक, बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और पिछले 2004-05 से हम लोग विभिन्न एनजीओ के साथ मिलके और विशेषकर यूसर के साथ मिलके, डॉक्टर दुर्गेश पंत के साथ मिलके अपने पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे समस्याएं पैदा हो रही है, पानी का संकट है, जलवायु परिवर्तन के कारण है, या वन्य जीवों का आतंक बढ़ते जा रहा है, या कई सारे और जो संकट खड़े हो रहे हैं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन जो 12-14 साल के अनुभव है उनके आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि एक आम आदमी के नजर से अगर आप देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो इस वक्त जल संकट खड़ा हुआ है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, हमारे जितने वाटर बॉडीज हैं, चाहे हमारी नदियां हैं, चाहे झीलें हैं, चाहे नौले हैं, सब सूख रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा संकट जो हो गया है वो है कि मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है, और साथ में जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो परंपरागत फसलें बागवानी में हुआ करती, जैसे सेब है, माल्टा है, संतरा है, इनका उत्पादन भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो एक आम आदमी की अगर दृष्टि से देखूं तो मैं इन सब का जो मुख्य कारण है वो है हमारे मिश्र जंगल, बांज, बुरांस, उतीस, कापल, आयार के जो मिश्र जंगल थे, इनका ह्रास हुआ है। और अगर हम केवल 50 साल पहले अगर देखें, दृश्य देखें, तो हमारे इन गधेरों में पंचक्कियां चला करती थी, घर चला करते थे, क्योंकि हमारे जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो अगर अपने पुराने समय को याद करें तो बिजली नहीं थी। मेरे ख्याल से 70 के दशक में हमारे गांव घरों में बिजली आई है। उससे पहले हमारा जो भी अनाज पीसा जाता था, चाहे मडुआ, चाहे झूंगरा, चाहे गेहूं, ये सब पंचक्कियों में ही पीसा जाया करता था, और उन पंचक्कियों में गर्मियों में भी इतना पानी रहा करता था कि हमारी पंचक्कियों से हमको आटा मिला करता था। लेकिन आज 50 साल के बाद उन पंचक्कियों में, उन गधेरों में जहाँ पंचक्कियां चला करती थी, अब पीने का पानी नहीं रह गया है। तो इसका जो बड़ा कारण है वो ये है कि जो हमारे मिश्र जंगल हुआ करते थे, बांज, बुरांस, उतीस, कापल, आयार के, वो जंगल सिमट गए हैं, सिकुड़ गए हैं और नष्ट हो गए हैं, और उनकी जगहों पर चीड़ के जंगल आ गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो जंगल कहाँ गए। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और गहराई से देखें तो हमारा जो ग्रामीण समाज रहा है वो खेती और पशुपालन पर निर्भर रहा है लंबे समय से, हमारी आजीविका उस पर चली करती है। और खेती में हल चाहिए, नहर चाहिए, दनेला चाहिए, ये सब बांस का बनता है, जिसे हमारा पहाड़ का कल्प वृक्ष कहा जाता है, उतीस का चाहिए, फलियांट का चाहिए, और ये सारे जो पौधे हैं ये वाटर कंजर्वेशन में उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जड़ी लकड़ी, गैस की सुविधा तो अब जाके पहाड़ों में पहुंची है, इससे पहले लगातार लोगों को जंगलों से ही अपनी रोटी पकाने के लिए ईंधन जुटाना पड़ता था। तो जो भी गांव के लोग हैं उनके लिए मजबूरी थी, वो जंगलों को काट रहे थे। इन सब का नुकसान क्या हुआ कि हमारे बांज, बुरांस, उतीस, काफल के जो जंगल थे वो सिमट गए और चीड़ के जंगल उगाए। और दूसरा एक जो बहुत बड़ा कारण हमारे पानी के स्रोत सूखने का वो ये रहा है कि जो शीतकालीन वर्षा और बर्फबारी हुआ करती थी, अगर आप पिछले साल को अपवाद माने तो पिछले 20-30 साल में हमारे पहाड़ों में, जाड़ों में, न तो वर्षा हो रही है न बर्फ गिर रही है, और इसके बड़े नुकसान हमें झेलने पड़े हैं, क्योंकि जो जाड़ों की बारिश और बर्फ थी ये पानी के स्रोतों को रिचार्ज करने के साथ साथ जो हमारे फसलें थी, विशेषकर जो रबी की फसल है जिसमें आपका गेहूं है, मसूर है और साथ में मटर है, इसके अलावा जो बागवानी है जिसमें सेब है, हमारा माल्टा है, इन सब पेड़ों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करा करती थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण ये शीतकालीन और वर्षा और बर्फबारी में कमी आ गई है, जिसके कारण हमें इन सब का नुकसान झेलना पड़ा है। और जो तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है जंगलों की आग। हम लोग अगर गौर से देखें पिछले 2-3 दशकों से हर साल जंगलों में आग लग रही है, और ये आग के जो कारण है वो तो आप सब जानते हैं किन कारणों से आग लगती है, लेकिन इनकी जो मात्रा है आग की, जो क्षेत्रफल हर साल बढ़ते जा रहा है, और आग से जो हमें तत्कालीन नुकसान सीधे सीधे ये हो रहा है कि जो जो घास है, जो जो श्रब्स हैं, जो हर्ब्स हैं, जो पेड़ हैं, वो हर साल जल रहे हैं, और उसके कारण सबसे बड़ी चीज सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। इन सब कारणों से स्थिति हमारी बहुत बिगड़ रही है। अब ऐसे में कैसे हमारे जल स्रोत बचे, कैसे हमारे पर्वतीय क्षेत्र जो सबसे सेंसिटिव एरिया है, इनमें पानी बचे, इस पर हम लोग जो 2004-05 से काम कर रहे हैं, जंगल बचाओ पानी बचाओ अभियान चल रहा है हमारा। और मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर दुर्गेश पंत हमारे साथ 2004-05 से इसमें जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हमेशा हमें इसमें मदद की है किस तरह से इसको आगे ले जाना है। तो हम लोगों ने शुरू में यहाँ पर बहुत कोशिश की पौधे लगाने की, पेड़ लगाने की। आज उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, जंगलों को बचाने के लिए, जल स्रोतों को बचाने के लिए। तो हमने भी कोशिश की, लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है वो बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं पेड़ों की सफलता में बाधक बनते हैं। भैया, अब जंगलों में बकरी चल रही है, गाय चल रही है, वो आपके पौधों को खा जाती है। दूसरा, आपने कम उम्र का पौधा लगाया तो वो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा, प्रजाति कौन सी आप चुन रहे हैं
और उससे बड़ी चीज जो जंगलों की आग है, आप पौधे लगाइए और हर साल आग लग रही है तो पौधारोपण का कोई अर्थ निकल नहीं पा रहा है। ऐसे में हमने दो फैक्टर्स पर काम किया है। एक तो क्या है, लोगों की डिपेंडेंसी जंगलों पर खत्म हो। आप अभी भी जानते हैं कि 12 लाख से ऊपर लोग, 12 लाख से ऊपर परिवार पहाड़ों में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं और वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। उनमें से 6.5 लाख किसान हैं अभी भी जो हल चलाते हैं बैल के माध्यम से काम करने, चाहे द्रुप्रयाग चले जाइए चाहे उत्तरकाशी चले जाइए, वहां अभी पावर टिलर या ट्रैक्टर नहीं पहुंच पाए हैं। अगर पहुंचे भी हैं तो उनकी फिजिबिलिटी नहीं है क्योंकि बिखरी और श्रेणीदार खेत हैं। एक खेत मेरा यहाँ है, एक खेत 500 मीटर दूर पे है, तो वहां पर मैं 45 किलो के हल पावर टिलर को लेकर नहीं जा सकता हूँ। अभी भी लोगों की मजबूरी है, वो हल बैल से काम चला रहे हैं और हल के लिए हमारा बांस का पेड़ अभी भी कट रहा है, फलियाट का पेड़ अभी भी कट रहा है, 29 का पेड़ अभी भी कट रहा है और हर साल 2.5 लाख पेड़ अभी भी कट रहे हैं। तो इन सब कारणों से कैसे जंगल बचे, तो हमने दो चीजों पर काम किया। नंबर एक तो लोगों में जागरूकता पैदा की। हम लोग 2004-05 से काम कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले 2007 में अपने क्षेत्र की शाही देवी का मंदिर है, इस मंदिर में पूरे जंगल को समर्पित किया महिलाओं को इकट्ठा करके। तो महिलाओं ने कहा कि आज से जो चौड़ी पत्ती के पेड़ है इनको मां रक्षा करेगी। उसके बड़े सार्थक परिणाम निकले, चौड़ी पत्ती के जंगलों का दोहन कम हुआ। दूसरा, हमने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक लोहे का हल डेवलप किया है, VL शाही हल। आपको जानकर खुशी होगी कि इस वक्त इसको चंडी प्रसाद भट्टी खुद प्रमोट कर रहे हैं चमोली में और अपने हाथ से वो 600 से ऊपर हल बांट चुके हैं। इसके अलावा टिहरी, पौड़ी, देहरादून, इन जिलों में ये हल पहुंच चुका है और अल्मोड़ी में भी हमारे अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ 7 जिलों के 5,000 से ऊपर किसान इस हल को चला रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हर साल हम लोग कम से कम 4 या 5 हजार पेड़ कटने से बचा रहे हैं। और अगर सब लोग सहयोग करें, मैं जितने लोग महानुभाव यहाँ पर सुन रहे हैं मेरी बात को, कि अगर हमने अपने जंगल बचाने तो लोगों की डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी पड़ेगी और खत्म करने का एक ही तरीका कि उनको विकल्प दिए जाएं और विकल्प हम लोग उनके आवश्यकता अनुसार से डेवलप करें। तो लोहे का हल एक सामने आया है, VL शाही हल, इसको आप लोग मदद करें। अब मुझे जिस प्रकार का निर्देश भावतो शर्मा जी ने दिया है कि ANR पे मैं बात करूं, तो सर आपको जानकर खुशी होगी कि ANR एक बहुत बढ़िया टेक्निक हम लोग रेप्लिकेट करने में सफल हुए हैं अपने क्षेत्र में। 600 हेक्टेयर एरिया में बांज, बुरास, अयार, कापल, उतीस का जो जंगल डेवलप हुआ है, ये जंगल अपने आप एक मिसाल है पूरे उत्तराखंड के लिए कि किस तरह से बगैर खर्च के। दरअसल राज्य बनने के बाद से अब तक जो आंकड़े कहते हैं वो कहते हैं कि 25 करोड़ से ऊपर पौधे लगाए जा चुके हैं सरकार द्वारा। सरकार का मेरा मतलब उसमें वन विभाग भी है, उसमें कृषि विभाग है, भूमि संरक्षण है और विभिन्न प्रकार के NGOs भी हैं। केवल इको टास्क फोर्स को अगर आप अपवाद माने या रिकॉल और संस्थाओं को अपवाद माने तो बाकी लोगों के जो सफलता के आंकड़े हैं, जो वो कहते हैं कि हमारा जो सफलता की दर है 80% है, 90% है, वो धरातल पर जो परिणाम उससे मेल नहीं खा रहे हैं। अब आप बताइए, 25 करोड़ पौधे लग गए और धरातल पर हरियाली कम हो रही है, जल स्रोत सूख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई चीज छुपाई जा रही है जो सच के नजदीक नहीं है। तो ऐसे में ANR एक बहुत बढ़िया तकनीक के रूप में सामने आया है। ANR को अंग्रेजी में कहते हैं असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन, आप लोगों ने कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा, सहायतित प्राकृतिक पुनरुत्पादन। इसमें आपने करना कुछ नहीं है, किसी भी अवनत वन क्षेत्र को जहां अतीत में बांज, बुरांस, उतीस, काबल, आयार, जो चौड़ी पत्ती हमारे जंगल हैं उनके जंगल रहे थे, उस अवनत वन क्षेत्र को आपने आग और नुकसान से बचाना है, जो 2007 के बाद हम लोगों ने करना शुरू किया। तो उसका जो मैकेनिज्म है, मैं एक साधारण आदमी हूं, मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूंगा कि किसी भी पेड़ को आप काट दीजिए, तना उसका काट दीजिए सॉरी, तो उसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें इंटैक्ट रहती हैं, अपनी जगह सुरक्षित रहती हैं और वो अनुकूल समय का इंतजार करती हैं जिस समय वो फिर नए कलियों को जन्म दे सके। और यही हुआ है, हम लोगों ने जब आग नहीं लगने दी जंगल में, नुकसान नहीं होने दिया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बुरांस के पेड़ में से, पेड़ की जड़ों में से 18 पौधे नए उग के आ गए हैं और 18 पेड़ उसके इर्द गिर्द हो गए हैं। और ये हर पौधे के साथ हुआ है, बांज के साथ हुआ है, अयार के साथ हुआ है। और सबसे मजे की बात क्या है सर, कि बांज, बुरांस, अयार, उतीस और ये जो चौड़ी पत्ती के पेड़ है, इनको अब हम प्लांट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो सक्सेस रेट बहुत कम है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 600 हेक्टेयर एरिया में कमोबेश लाखों पेड़, मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, मैंने भावतो शर्मा जी को या दुर्गेश पंत जी को और किरीट राणा जी से, इन लोगों से ये फोटो शेयर की है ANR की। तो एक बहुत बहुत सस्ती तकनीक और बहुत कारगर तकनीक। अब ANR के फायदे क्या है, ANR के जो बेसिक फायदे हैं इस संदर्भ में, चीन में एक अनुसंधान हुआ है सर, दरअसल जिस तरह से हमारे वहां भी चीड़ के पेड़ों को और देवदार के पेड़ों को मिक्स फॉरेस्ट के मुकाबले वरीयता दी गई अतीत में, उसका नुकसान हम झेल रहे हैं, हमारे पानी के स्रोत सूख गए हैं। तो ANR से जो रिसर्च हुई चीन में, उसने पाया कि 4 फैक्टर्स में जो ANR के जंगल हैं वो कृत्रिम पौधारोपण, अगर इनकेस हमारे 25 के 25 करोड़ पौधे सफल भी हो गए और जंगल बन भी गया, या हम इसको कहें स्कैटर्ड फॉरेस्ट बन भी गया, तो उसके मुकाबले क्या फायदे हैं ANR के, मैं बताना चाहूंगा। सबसे नंबर एक तो सर्विस रन ऑफ जो है पानी का वो आधा हो जाता है।
बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है कि बारिश हो रही है लेकिन सारा का सारा पानी बह जा रहा है। उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, बांज बुरांस उतीस काफल की जो पत्तियां जब गिरती हैं सड़ती हैं मिट्टी में मिलकर ह्यूमस बनाती हैं और एक पतली से लेयर बिछाती है जमीन के ऊपर और ओवर द पीरियड ये लेयर जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होते कई बार फुटों तक हो जाती है और जितना बारिश का पानी इसके ऊपर गिरता है ये स्पंज के रूप में काम करते हुए उस सारे पानी को रिचार्ज करके जमीन के अंदर डाल देता है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि अतीत में जितने भी बांस के जंगल थे वो सब हमारे पानी के बहुत भरपूर भंडार थे और उनको हमको पानी रिचार्ज करने के लिए चाल खाल गड्ढे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। उस समय उसका बेसिक कारण ये था कि सारी पत्तियां सड़के स्पंजनुमा आकृति बनाती थी और वो सारा स्पंजी वाटर वाटर रेन वाटर को अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर दिया करता था। दूसरी चीज जो इस ANR से फायदा है वह सॉइल इरोजन भी आधा हो गया है। देखिए बहुत बड़ी समस्या हमारी हो रही है, गर्मी में आग लग रही है और उसके तुरंत बाद बरसात हो रही है और सारी नदियां पूरी काली हो रही हैं। वो धूल और कार्बन तो है ही साथ में लेकिन जो इम्पोर्टेंट मिट्टी हमारी सबसे ऊपर की टॉप सॉइल है वो बह के जमीन नदियों में आ रही है और बहुत बड़ा नुकसान हम लोग को होने जा रहा है उससे आने वाले भविष्य में। उसका एक दुष्परिणाम आप देख सकते हैं कि अब जंगलों में लैंटाना उग रही है जो हमारे लिए एक खरपतवार है या पूरी और कैक्टस भी इसमें आ गए हैं सामने। तो सॉइल इरोजन इससे कम हो रहा और एक बहुत बड़ा चीज इस वक्त कार्बन एब्जॉर्प्शन की हमें जरूरत है, कार्बन को अवशोषित करने की जरूरत है, कार्बन स्थिरीकरण करने की जरूरत है। इसमें भी हमारे ANR के जंगल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्बन का जो स्तर 1988 में 150 ppm था आज वो बढ़ के 475 ppm हो गया है और इसका ही परिणाम है कि अभी हम लोग अप्रैल के महीने में भी इतनी बढ़िया बारिश देख रहे हैं। जिस तरह का अभी सर ने बताया था, साइंटिस्ट सर ने, कि केदारनाथ में 325 mm बारिश 2 दिन में हुई है। तो ये जो अतिरिक्त अतिशय मौसमी दशाएं हो रही हैं इनको रोकने में भी हमको अगर कार्बन को कम करना है तो तब भी हमें जंगल डेवलप करना ही पड़ेंगे। तो ऐसे में ANR एक बहुत बढ़िया तकनीक है और द लास्ट और सबसे बढ़िया इम्पोर्टेंट जो चीज है कि ANR के जंगल जैव विविधता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं कि बांज बुरांस उतीस अंगियार ये सब निकल के आ गए हैं। तो मैं अपने जो पिछले 10-12 साल के अनुभव के आधार पर ये कहना चाहूंगा कि 2 तरीकों से हम लोग पानी के स्रोत को बचा सकते हैं। नंबर 1, लोगों की डिपेंडेंसी जंगलों को हमें खत्म करनी पड़ेगी। जब तक लोगों को विकल्प नहीं मिलेंगे लोग जंगल काटना नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए हमें चाहिए कि उनके कृषि उपकरणों के या जरूरी लकड़ी के या और भी जो उनको जरूरत है जंगलों पे वो हम खत्म करें और उस काम के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए जो हम पौधारोपण पर इतने साल से खर्च करते आ रहे हैं। और साथ में हम लोगों को ANR टेक्निक से हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के हिली एरियाज हैं इसमें हम लोग बगैर पैसे के, आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन मैं आपको सच बताना चाहूंगा कि इस 600 हेक्टेयर एरिया में जो लाखों पेड़ लगे हैं इसमें हमने एक पौधा नहीं लगाया है, सारा पौधा प्रकृति की देन है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर दुर्गेश पंत, डॉक्टर भावदेव शर्मा जी, राणा जी और सुंदरन मैडम के साथ जितने भी महानुभाव मेरी बात को सुन रहे हैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ कहना चाहता हूं भवतोष जी। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी। मैं देखिए पहले तो जितने हमने ये जो आपने बहुत अच्छी मीट कराई है, लाभ ये है कि इसमें हमारे वैज्ञानिक भी हैं, शीर्षस्थ संस्थानों से लोग जुड़े हुए हैं और उसके अलावा एक्टिविस्ट भी हैं जो लोग लगातार फील्ड पे काम कर रहे हैं जिन लोगों ने देखा भी है। और इस बीच में जो अदर साइड ऑफ COVID-19 है, जैसा पहले सुनेश जी ने भी कहा, रवि कल्याण जी भी कह रहे थे, ओमकार जी की बातों से भी लगा, COVID-19 ने बड़ा मजेदार एक जो अदर साइड है वो ये दिया है कि नदियां साफ हो गई हैं, जलाशय साफ हैं। जो हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे, हम गंगा से लेके तमाम जितने पूरी की पूरी नदियां हैं, हम और नदी नाले सब में हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा साफ हुआ है। नंबर 2, नेचर जो रिबूट करती है, जिसके बारे में अभी गजेंद्र जी कह रहे थे कि आप छोड़िए और लेट अस लीव इट टू नेचर, नेचर कई चीजों को रिबूट करती है, फिक्स करती है। ANR अपने में बड़ा अच्छा उदाहरण है। और क्या हमारे पास, क्योंकि देखिए अभी तो हमारे पास वी हैव दिस वेट अप्रैल, जो ये पूरा का पूरा दिस मंथ हैज बीन वेट, इसी तरह से लगातार बारिश होती रही है, लेकिन हम जान रहे हैं कि पोस्ट कोविड में और इस बीच में भी लाखों लोग पहाड़ों में भी लौटे हैं, जो हमारे पूरे तमाम, संजय गुप्ता जी से आप सुनेंगे वो कई चीजें बताएंगे कि देश के लेवल पे किस तरह की पूरी बात चल रही है। लेकिन ये बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में भी लाखों लोग अपने घरों में लौटे हैं। हम जानते हैं कि वाटर स्ट्रेस्ड हैं जो गाँव के हालात हैं। अभी हमारे पास ये इस बार हमारे पास इतना
अच्छी बारिश हुई है, इस बार इतना अच्छा स्नोफॉल हुआ है, बट द फैक्ट ऑफ द डे इज कि लगातार जो हमारे पास लोगों का लगातार लोग आए हैं, तमाम सारी चीजें हुई हैं, घरों में आए हैं, तो हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट भी लगातार बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग गांव पूरे के पूरे खाली थे, अब उन गांवों में, अच्छी बात यह है कि अदर साइड ऑफ कोविड इज कि बसासत होगी, इसमें किस तरह की इक्वेशनिंग होगी, किस तरह से हम कर पाएंगे। और जो ये एकाध बहुत अच्छी इसमें जो बातें आई थी कि क्या हम आर्टिफिशियली किस तरह से रिचार्ज हो पाएगा, ग्राउंड वाटर की क्या सिचुएशन है, किस तरह से हम एक पूरा का पूरा नेटवर्क बनाएं, क्या सॉल्यूशंस होंगे, क्या पेपर्स होंगे, क्योंकि इसकी कल्पना, ये तो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी जो कोविड की सिचुएशन थी, हमको मालूम नहीं था इस वाली सिचुएशन में विद रिगार्ड टू पीपल डेंसिटी, इंक्रीज्ड पीपल डेंसिटी एंड कीपिंग इन व्यू ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट डायमेंशन, किस तरह से हम इसको चैलेंज को लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फॉरेस्ट में जैसा इन्होंने कहा, इस तरह के ये बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट है, क्या साइंटिफिकली कोई इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिसमें कोलैबोरेटिव बेसिस में इसको हम वाइडर लेवल पे ले जा सकें, चाहे वो हल्की बात हो, छोटे इंटरवेंशन की लेने की बात हो। आशुतोष भट्ट जी अपने IoT बेस्ड डिवाइसेस की बात करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि साइंस है, टेक्नोलॉजीज है, ट्रेडिशनल विजडम है, वाटर मिल्स की बात की थी भवतोष जी ने, तो किस तरह से हम एक बहुत अच्छा सा मॉडल बनाए, क्योंकि नाउ वी नीड न्यूअर थिंकिंग, बिल्कुल अब दूसरे तरह से सोचने की आवश्यकता हो गई है। और शायद ये आपने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे बात हो सकती है। मैं बहुत उत्सुक भी हूँ संजय गुप्ता जी से भी बात करने का, क्योंकि नेशनल लेवल पे जिस तरह की इनिशिएटिव उन लोगों ने लिया है और तमाम वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलके, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। भवतोष जी, ये मैं कहना चाहता था, आप आगे बढ़ाइए चर्चा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने जो महत्वपूर्ण बात थी, जैसा कि हमारे सर जी ने बताया था कि वर्तमान COVID-19 जो हमारी परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत जो पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा पर्यावरण निरंतर सुधार हो रहा है, और पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में अगर कहें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहें, तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है और जो लोग अपने गांव में लौटे हैं उनमें से अधिकांश लोग गांव में रुकने के इच्छुक हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर्स में लगातार पढ़ने और सुनने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम पॉजिटिव चीज देखना चाहेंगे तो अपना पर्यावरण, वाटर क्वालिटी हो या एयर क्वालिटी हो, तो वो सभी में सुधार हुआ है। हवा भी हमारी जैसी पहले था माहौल, जो वायुमंडल में धुंध होती थी, चाहे वो पहाड़ में हो, देहरादून में हो या दिल्ली में हो, कहीं भी हो, वो सब हमें एकदम से दूसरे रूप में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ही COVID-19 के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो भी हमें निश्चित रूप से उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस दिशा में कुछ मॉडल बनाना पड़ेगा, जैसा कि हमारे निदेशक महोदय ने अभी बताया। तो अभी हमारे पास 2-3 और ऐसे लोग हैं जिन्होंने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया है। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिथौरागढ़ से डॉक्टर हेमंत जोशी। डॉक्टर हेमंत जोशी जी, कोसी नदी पर डॉक्टर हेमंत जोशी जी ने अध्ययन किया हुआ है, साथ ही साथ वो वरिष्ठ प्राध्यापक हैं सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में, और उन्होंने चूंकि वो पहाड़ के मूल निवासी हैं तो बागेश्वर के रहने वाले हैं, बागेश्वर में सरयू नदी है, तो सरयू नदी का दुख भी उनके अंदर छुपा हुआ है जिस पर लगातार वो बोलते रहते हैं। तो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उनको कैसे रिजुविनेट किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस कैसे हो, और साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैसे करेंगे, तो मैं डॉक्टर हेमंत जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना वो भी वक्तव्य देने का कष्ट करेंगे और हमें आगे के लिए कुछ रूपरेखा तैयार करें, उसके लिए उनके मैं जोशी जी। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले दुर्गेश पंत सर को प्रणाम कहूंगा और जितने बुद्धिजीवी इस टॉक में हैं सभी को नमन। और जिस प्रकार से भवतोष सर ने इंट्रोडक्शन दिया था, मैं एक बात रखना चाहूंगा कि पिछले 10-12 साल से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वाटर की जो क्वालिटी है उसको लेके है, उसकी जो रासायनिक और भौतिक जो उसकी गुणवत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने काम किया हुआ है। और जिस प्रकार से यूसर्ग से जुड़कर बहुत सारी चीजें सीखने का मुझे मौका मिला, और उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था कि जिस प्रकार से आज की परिस्थितियां बनी हुई हैं और आज की परिस्थितियों में गुणवत्ता दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, और साथ साथ में जल का स्तर तो कम हो ही रहा है,
तो इन दोनों बातों को अगर हम साथ साथ लेके चलें तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जिस प्रकार से इस महीने को जो सुनने को खबरें मिल रही, जैसे पंत सर ने भी बहुत सारी बातें बताई, तो उस तरीके का परिणाम भविष्य में भी हमें मिले और इस शाश्वत रहे, उसके लिए कुछ कलेक्टिवली वर्क किया जाए वो अच्छा है। जिस प्रकार से भावतो सर अभी बता रहे थे कि मेरा जो रुझान है वो सरी नदी को की गुणवत्ता और साथ साथ में तो उसके जल स्तर को लेके चिंतन करने की भी और है, क्योंकि हम बचपन से उस नदी को देखते हुए आ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है जो स्तर है उसका और कम हो जाएगा। हो सकता है उसके पीछे अनेक कारण हो, तो उन कारणों को जांच पड़ताल करते हुए हम जो विलुप्त प्राय नदियां हैं, धीरे धीरे जो विलुप्त होती जा रही हैं, उनको रिजुनवेट करें और उसको उस स्तर पर लेके जाएं जो वो 10 साल पहले थी, जिसके लिए निश्चित रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए काम करना पड़ेगा। जैसे हम रिजुनरेट करते हैं या किसी प्रकार से हम नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं, हम अलग अलग तरीके से जोहड़ बनाते हुए या खाल चाल जो हम लोग करते हैं, क्यों ना उसको साइंटिफिकली किया जाए, क्योंकि हर जगह बिना किसी साइंटिफिक प्रूफ के हम चाल खाल बना रहे हैं तो उसका परकुलेशन नहीं होगा। और धीरे धीरे समय के अनुसार और साथ साथ जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो समय चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाए और गुणवत्ता पे विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में बोतल बंद पानी पीने को विवश है। हम नहीं चाहते हैं कि हर कोई बोतल बंद पानी के लिए कोशिश करे और उसके लिए पैसा दे रहा है। ठीक है, पैसा देना अलग इशू है, लेकिन जो चीज फ्री में इस विश्व को उपलब्ध हो सकती है और जो सबसे ज्यादा मात्रा में इस विश्व में उपलब्ध है, उस चीज के लिए अगर हम पैसा दे रहे हैं तो एक जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है उनके लिए कहीं ना कहीं भी सोचनी प्रकरण है और सोचनी विषय है। अब दूसरी बड़ी बात, आज की स्थितियां अगर ऐसी बन रही हैं तो गुणवत्ता को किस प्रकार से सुधारा जाए। गुणवत्ता का मतलब, अगर पानी, अगर बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी से उसका संपर्क हो रहा है, उसको जियोकेमिकल जो उसका डिजोल्यूशन है वो पानी में आके अल्टीमेटली हमें उसको मिनरलाइज करके हमें दे रहा है। और हम जानते हैं कि इस प्रकार से समय के अनुरूप हमारे हॉस्पिटल्स में जो वाटर बॉर्न डिजीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, और सडन इस प्रकरण में और इस काल में जो हम अभी हम जी रहे हैं पिछले 1 महीने से, उसमें अचानक कमी आई है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को एनालिसिस करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अगर इस प्रकार की हम हर इंडिविजुअल से बात करें, क्योंकि मैं कर रहा हूं या और कोई और नहीं कर रहा है उस विषय को, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ कि ये चीजें किसी और अन्य तरीके से सुधारी जा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति विशेष इस पे काम कर और साइंटिफिकली इसको हम लोग अगर आगे लेके जाए या इसकी गुणवत्ता के लिए जो उसके पैरामीटर्स हैं उनको हम प्रेडिक्ट करें। बेसिकली मेरा जो एनालिसिस है कि मैथमेटिकल एनालिसिस हमने किया था बहुत सारे, लगभग हमने अल्मोड़ा रीजन के 55 से 60 के बीच में एनालिसिस की थी, अलग अलग चाहे नौले हों, धारे हों या हैंड पंप्स हों, उसकी केमिकल एनालिसिस की थी और उसके बेसिस पे हमने उसकी जियोलॉजी स्टडी की थी। और जियोलॉजी स्टडी करने के बाद हमने ये कोशिश की थी कि उस पर्टिकुलर जोन के, पर्टिकुलर एरिया के क्या वाटर टाइप हो सकते हैं, उसकी वाटर बॉडीज में क्या क्या जियोकेमिस्ट्री हो सकती है। इतनी सारी सब चीज एनालिसिस की थी और हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि हम एक पर्टिकुलर जियो टाइप के जो वाटर बॉडी है उसका वाटर का जो क्वालिटी है वो एक जैसी ही रहेगी। तो इसी प्रकरण में मैंने जो भट्ट सर हैं बायस में उनसे बात की थी, क्यों ना हम इस प्रकार के एक एनालिटिकल अप्रोच लेके आए और प्रेडिक्टेबल अप्रोच लेके आए कि एक सिस्टम हमारे सामने आए और वो सिस्टम ऐसा बने कि हम प्रेडिक्ट कर पाए। ये मेरे सुझाव, मेरे मेरे विचार में चीजें आती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष को शुद्ध और साफ पानी मिलना आवश्यक है और ये हर प्रकार से वैज्ञानिकों की और हर व्यक्ति विशेष जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी एक बल देने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं, सभी बुद्धिजीवी यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं और जिससे जिस हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है, तो मैं डॉक्टर भावतेज भावतोज सर का और सभी यूसर के सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद कहूंगा कि जिनके वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। तो ये इसी बात पे मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हेमंत, और आपने काफी अच्छा अपनी बात को किया है। आपने काफी अपने क्षेत्र में, अलमोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के क्षेत्र में जो नले धारे हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, स्प्रिंग्स हैं, उन पे की हुई, और आपका दुख दर्द हमेशा पानी जो सूखते हुए नले धारे उनको लेकर के रहता है, और इनमें जितने प्रभावी
हैं उनसे एक और बात शेयर करना चाहूँ कि डॉक्टर बंधु जोशी जी बहुत अच्छे वेदाचार्य भी हैं, वेदों में जो पानी का वर्णन किया है, वेदों में जल का वर्णन किया है, विस्तार पूर्वक सर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। वेदों में जो जल की उपलब्धि यह है कि सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही बिल्कुल भी। उनका उनके कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है? आप मोहित जी, आपको आमंत्रित किया उन्होंने? हेलो, संजय जी, मैं आपसे प्रार्थना करूं, आप अपने कुछ कुछ बताइए विचार। भवतोष जी का कनेक्शन मुझे लगता है डिसरप्ट हो गया है, अगर आप सुन पा रहे हैं। संजय जी प्लीज ज्वाइन इन। हेलो, क्या संजय जी जुड़े हुए हैं क्या? हेलो हेलो जी, आगे बढ़ाइए। हेलो हेलो, हाँ भवतोष जी बढ़ाइए। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। हेलो, आ रही है सर आपकी आवाज? आ रही हाँ, है। मैं थोड़ा सा और छत जी, मैं अपने जो हमारे बिरला इंस्टीट्यूट भीमताल के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं डॉक्टर आशुतोष भट्ट जी, जिनके सहयोग से यूसर्क ने एक IoT बेस्ड डिवाइस डेवलप की है, जिसको वाटर बॉडीज में डालने के बाद में हमें ऑनलाइन डेटा, रियल टाइम डेटा मिलता रहता है। तो मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर आशुतोष भट्ट जी से कि वो कृपया हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर आशुतोष भट्ट जी भीमताल से। और आशुतोष भट्ट जी के बाद ना मैं चाह रहा हूँ, इंदौर से जुड़े हुए हैं संजय गुप्ता जी। संजय गुप्ता जी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं वाटर मैनेजमेंट और इसका कार्य, वो जुड़े हैं हमारे साथ। जी सर, जी जी जी, मैं धन्यवाद सर। मैं जरा रिक्वेस्ट करूंगा उमेश हैं इनसे कि मेरी स्क्रीन शेयर करा दें। तो जी आपकी, जी सर आप अपने इसमें भी शेयर कीजिए सर। हाँ करा दिया। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी सर, मेरी शेयर भी होगी। अभी नहीं आया सर आपका। देखिए वाटर स्कैसिटी के साथ वाटर, हाँ जी सर, मैं स्टार्ट करूं स्क्रीन? हाँ करिए सर, हाँ शेयर कर ली स्क्रीन आ गई है मेरी। ठीक सर, हाँ हमने एक छोटा सा काम किया है यहाँ पे भीमताल पे, भीमताल पे रहते हैं। अलाउ कर दीजिए ना, परमिट कर दीजिए। देखते हुए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी। परमिट कर दीजिए आप सर। मैंने कर दिया, यहाँ से मैंने शेयर कर दिया है। परमिशन परमिट कर दीजिए जी सर। हाँ बिल्कुल ठीक,
हाँ आगे आगे आ रहा है। जी सर, तो हाँ, पॉल्यूशन को देखते हुए, वाटर का पॉल्यूशन को देखते हुए छोटा सा प्रयास किया हमने यहाँ पे, जिसमें यू सर ने हमें मदद की, प्रोफेसर पंत सर के निर्देशन में कुछ कार्य किया हमने। हमने कोशिश की कि वाटर क्वालिटी असेसमेंट के लिए एक छोटी सी लो कॉस्ट डिवाइस बनाई जाए। तो इसे देखते हुए एक इस पे जो है कुछ पैरामीटर्स हमने पहले आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम वाटर क्वालिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बेसिकली जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उसको लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, और थोड़ा सा यूट्रोफिकेशन की भी प्रॉब्लम थी या इस एरिया में लेक्स में कि एल्गी आ जाती है और विंटर में कलर चेंज होता है लेक का, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ऐसे एल्गी का जो है प्रॉब्लम रेनी सीजन में भी रहता है। तो असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोशिश की थी इस पर, और आसपास जितनी भी लेक थी हमारा प्रयास ये था कि हर लेक में हम वाटर क्वालिटी असेसमेंट कर पाए या आसपास की रिवर में वाटर क्वालिटी असेसमेंट करें। तो उसके लिए हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की कि हर एक लेक में या वाटर रिजर्वायर जो भी है वहां पे हम अपनी डिवाइस इंस्टॉल करें, और वहां से हमको ऑनलाइन वो क्वालिटी हमारे सिस्टम तक या हमारे सेंटर सर्वर तक वो पहुंचती रहे। तो जो पैरामीटर हमने आइडेंटिफाई किए, पैरामीटर तो बहुत से हैं, तो फर्स्ट फेज में हमने जो पैरामीटर इसमें आइडेंटिफाई किए वो पीएच वैल्यू है, टर्बिडिटी, टेम्परेचर, और इसके जो है इसके टीडीएस को हमने कोशिश की कि हम इसको सेंस करें। तो ये सिस्टम डेवलप किया गया, और इसमें आईओटी बेसिकली इसके बैकग्राउंड में था, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग का, क्योंकि आजकल का जो टाइम है उस हिसाब से आईओटी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और लो कॉस्ट बनाने के लिए भी, सेंसर डिवाइस बनाने के लिए भी आईओटी बहुत हेल्पफुल है। और इसका दूसरा पर्पज ये भी था कि जब हमारे सारे सेंसर से डेटा हमारा पास आ जाए तो एक जो हमारे रिपोजिटरी जो भी बने डेटाबेस की उसको हम आगे एएनएन या और मेथड्स उसमें जो फोरकास्टिंग मेथड है उनके कर सके कि थ्रू आउट द ईयर वाटर क्वालिटी क्या रहेगी। वाटर लेवल भी डाउन हो रहा है जैसे अलग अलग लेक्स में, तो उसमें कोशिश की गई कि भाई हम वाटर लेवल को भी हम सेव कर सके, वो आगे फर्दर उस पर हम करेंगे। तो इसमें हमने डिफरेंट सेंसर्स यूज किए वाटर क्वालिटी असेस करने के लिए, और सेंसर लो कॉस्ट थे, ऑर्डिनो यूनो का यूज किया गया, या हमने जीएसएम शील्ड यूज की, और ये सारी चीजें हमने, ये कंपोनेंट यूज करके हमने कोशिश की कि हम इस तरह से हम डिवाइस बना सकें। ये स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही होगी डिवाइस, इसमें ये एक एलसीडी पैनल भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू आ सकती है और रिमोटली हमारे सर्वर पे भी आ सकती है, और सेम टाइम पे हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हम वहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कोशिश की गई और सक्सेसफुली इसका इम्प्लीमेंटेशन भी किया हमने, और पिछले कुछ समय से लगातार हम इस डिवाइस को चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेंसर में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही ये तो नहीं है। तो ये ऐसा लग रहा है कि डिवाइस हमारी सक्सेसफुली काम कर रही है, और उसके बाद अभी हमने इसको जो है फिशरीज के साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कोल्ड वाटर फिशरीज में हम इसको जो है वहां पे इंस्टॉल कर लिया है। इसको पिछले 1 जनवरी को हमने वहां पे उसके कोल्ड वाटर फिशरीज भीमताल में है उनके साथ एमओयू भी किया इस संबंध में, और वहां पे जो उनका सिस्टम है उस सिस्टम पे हम फिश के लिए फिश को जिस वाटर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्वालिटी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वाटर क्वालिटी, और उनके सिस्टम में उनके सेंटर सर्वर पे वो ये हमारा प्रयास था वाटर क्वालिटी असेसमेंट का। हालांकि हम कंप्यूटर साइंस के हैं, हमारा फील्ड ये की ओर से हमको बड़ी मदद मिली। हेलो जी 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 भट्टी जुड़े हुए हैं,
हाथी जी भी जुड़े हुए हैं। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कंक्लूड करिए। हाँ डॉक्टर भट्ट, कंक्लूड करिए। जी सर, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, भवतोष भवतोष शर्मा जी हैं, आपका बहुत धन्यवाद भट्ट जी। भवतोष शर्मा जी हैं अभी? जी सर। हाँ आप आगे बढ़ाइए, मेरी मैं चाह रहा था ना, मैं उनसे संजय जी की बात सुनना चाह रहा था। हाँ संजय जी जुड़े हुए हैं सर, मैं उनको बोल रहा हूँ सर। हाँ उनको भी बोलिए फिर, खाती जी से सभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ अलायंस फॉर रिवर्स एक संस्था है जो इंदौर में है, वहाँ से संजय जी जुड़े हुए हैं, उसके बाद में एस्को संस्थान से विनोद खाती जी जुड़ चुके हैं। तो पहले मैं अनुरोध करूंगा कि संजय जी जो इंदौर से जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रखेंगे। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो संजय जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो संजय जी, संजय जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? नहीं तो तब तक खाती जी से वो कर लीजिए, खाती जी को ले लीजिए। देहरादून में हमारे श्री खाती जी एक पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा संगठन है, जिसके संस्थापक पद्मश्री, जो पहले पद्मश्री थे वो पद्म भूषण हो गए हैं, श्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, जो बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, जिनका देश में ही नहीं विदेश में नाम है। उनकी संस्था में एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, श्री विनोद खाती जी। तो अनुरोध श्री विनोद खाती जी से कि कृपया वो अपना वक्तव्य रखेंगे। नमस्कार सर। और डॉक्टर गोयल साहब भी शायद जुड़ गए हैं, उनको भी इसके बाद आप ले लीजिएगा। जी सर जी, ठीक है सर, ठीक ठीक सर, ठीक ठीक है सर जी सर। नमस्कार सर, मैं विनोद। नमस्कार सर, आवाज आ रही सर? जी आ रही है। हेलो जी, बोलिए खाती जी बोलिए। हाँ नमस्कार सर, मैं विनोद खाती बोल रहा हूँ, मैं हेस्को ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, और मैं पिछले 20 साल से जो हमारी स्प्रिंग्स हैं उसको रिजुनेट के ऊपर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सर, जो पद्म भूषण अभी जिनको मिला, उनके सानिध्य में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने सबसे पहले हमारा एक कैंपस था डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में, ग्वार चौकी में। तो हम गांव में रहते थे, और गांव में पानी के का जो एक छोटा सा धारा था, तो उस धारे में गर्मियों में पानी बिल्कुल सूख जाता था। तो हमको ये प्रेरणा वहां से मिली, क्योंकि गांव के लोग बहुत परेशानी में रहते थे, पानी दिन भर पानी भरने के उसमें रहते थे। तो हमने ये सोचा कि इस धारे को हम कैसे रिचार्ज करें, और उसी से हमको एक प्रेरणा मिली कि हम अपने स्रोतों को पानी कैसे रिचार्ज करें। इसके संदर्भ में हमने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई बार के साथ हमने एक टाई अप किया, उनका आइसोटोप एप्लीकेशन डिवीजन था, उनके साथ काम टाइप किया, और हमने ये पता लगाने साइंटिफिकली ये पता लगाने की कोशिश की कि जो हमारे स्रोत है उसका कैचमेंट एरिया कहाँ पे आया। तो हम उसको तो उसके लिए हम आइसोटोप स्टडी किया हमने पानी की। तो उसी उसी एरिया में 16 धारे थे जिनको जिनका हमने सैंपलिंग किया, प्री मानसून और पोस्ट मानसून सैंपलिंग किया, साथ साथ में हमने बारिश के पानी का भी सैंपल लिया। और ये जो पानी का सैंपल हम लेते थे तो 50 मीटर एल्टीट्यूड डिफरेंस पे हम सैंपल लेते थे, और उसके साथ साथ हम 3-4 बातों का और ध्यान देते, जब भी हम सैंपलिंग लेते थे तो उसमें जो ऑन साइट हमको जो डेटा लेने होते थे, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ईसी हो गया, एल्किलिटी हो गया, ये सब हम साइट पे लेते थे, वो सारे हम डेटा हम साल भर से लेते रहते थे। और फिर हाँ हम क्योंकि हमने देहरादून में एक आइसोटोप हाइड्रोलॉजी लैब हमने खोली है, उसमें हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम वहाँ पे ऑक्सीजन 18 का मेजरमेंट कर सकते हैं और ट्रिसिम का मेजरमेंट करते थे। तो हम सैंपल को लेके हम
अपने लैब में लेके आए, तो सैंपल एनालिसिस करने के बाद जब जैसे ही हमको पता चला कि इस पर्टिकुलर स्प्रिंग्स का कैचमेंट एरिया इस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे होता है, तो हमने वहाँ पे आर्टिफिशियल रिचार्जिंग स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि ट्रेंचेस हो गया, डैम्स हो गया, पॉपुलेशन पॉन्ड्स हो गया, और प्लांटेशन, प्लांट ऑलमोस्ट प्लांटेशन तो बहुत जरूरी है, तो उस एरिया में हमने ये सारी चीजें किया, और उसके साथ साथ हमने कम्युनिटी के साथ भी उनको उनको मोटिवेट किया कि अपने जो फ्री ग्रेजिंग लैंड है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना, ये सब हमने वहाँ पे किया। तो ये सारी एक्टिविटीज हमने जब हमने वहाँ पे किया, तो उसके साल भर बाद हमको, क्योंकि हम जो हमारे जो स्रोत हैं उनको रेगुलरली हम मॉनिटर करते थे, उनका उसका डिस्चार्ज मेजर करते थे, और उस हर मंथली हम उसका डिस्चार्ज मेजरमेंट करते थे, तो हमने ये प्री मानसून डेटा लिया था, पोस्ट मानसून सब डेटा लिया, तो साल भर बाद हमको जो जो उन 16 स्प्रिंग्स में 2-3 स्प्रिंग्स ऐसी थी जो कि सिर्फ सीजनल थी, वो सिर्फ बरसात के टाइम पे ही आती थी और गर्मियों के टाइम पे सूख जाती थी। तो जो जब हमारा ये स्ट्रक्चर हमने उस उन एरियाओं में बनाए, तो उन जो जो हमारे धारे वो सीजनल थे वो भी पैरेलल हो गए। आज की डेट में वहां पे गौचर नगरासु एरिया में 16 के 16 स्प्रिंग्स में रेगुलर पानी आता, और 5 टाइम इनकी, क्योंकि ये थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि वो एनुअल रेनफॉल भी उसमें देखा जाता है कि कब किस साल कितना कितना मिलीमीटर रेनफॉल हुआ, लेकिन अभी भी अब आज के डेट में भी वहाँ पे 4-5 टाइम पानी इंक्रीज हुआ है। और ये काम हमने किया था सन 2002 में, उसके उसके जब उसकी सक्सेस हुई, तो वहाँ पे लोगों ने उनके लोगों का जो क्रॉपिंग पैटर्न वो भी हुआ, जो इरिगेशन फैसिलिटी की असुविधा थी वो इरिगेट करने लगे, और किसी ने सब्जी का उत्पादन किया, एनिमल हस्बेंड्री में उसको बढ़ावा मिला। तो ये सब देखने के बाद हमने फिर और 6 साइट और ली है, एक डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में, हिमाचल प्रदेश में, तो 2 साइट पे हमने वहाँ पे काम किया, और टोटल हमने 64 स्प्रिंग्स में हिमाचल और उत्तराखंड की साइट्स में काम किया। ये हमको सहयोग मिला प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सहयोग रहा उन स्रोतों को रिजनरेट करने में, और उन स्रोतों में भी हमने यही सब टेक्नोलॉजी अप्लाई की, आइसोटोप एब्जॉर्प्शन स्टडी। तो जो वहाँ पे जो धारे सूख रहे थे, जो जिनमें कभी पानी नहीं आता था, वो भी दोबारा पानी वहाँ पे आ गया, और आज के डेट में खाती जी एक सेकंड एक खाती जी का जारी रहेगा। मैं हमारे बीच में चूंकि हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वीसी पहल सर ने, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में वो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और रिसर्च मैनेजमेंट आउटरीच डिवीजन के हेड हैं। आपने बहुत सारे भारत सरकार में विज्ञान प्रसार में बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर काम किया है, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूसर सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है, और अभी खाती जी के बाद में आपका हमें मार्गदर्शन और लेक्चर सुनने को मिलेगा, आप हमें आगे बताएंगे, तो मैं वेलकम करता हूँ सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन जी सर, संजय जी इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनको लीजिएगा, फिर डॉक्टर गोयल को हम निमंत्रित करते हैं। जी ठीक है सर, ठीक खाती जी प्लीज कंटिन्यू करिए। इसके अलावा हमारी जो स्ट्रीम है, जो सहायक स्ट्रीम है जो हमारी रिवर को फीड करती है, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में हम एक मेरठ अंतवाड़ा में है, एक काली नदी है, उसको हमने सक्सेसफुली रिजनरेट किया है। हम चक्रौता में काम कर रहे हैं, हम रुद्रप्रयाग में स्ट्रीम पे काम कर रहे हैं जो सक्सेसफुली रिजनरेट हो गया। फिर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सर कि जो पहले हमारे जो धारे थे वो क्योंकि हमारे गांव की बसावट ऐसी होती थी कि हर गांव के आसपास एक दो धारे होते थे, और वो धीरे धीरे सूखने लगे। इसके बहुत सारे कारण उसमें मैं जो पर्सनली मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं पानी के सैंपल कलेक्ट करता हूँ, पानी का डिस्चार्ज मेजर करता हूँ, और उसको किस तरह से कम होता है। तो पहले जब हमारे गांव में जो हमारी खेती होती थी, हमारे सारे खेती को हम खेती करते थे, वो आबाद रहते थे खेती, लेकिन धीरे धीरे हमने माइग्रेशन हुआ, वो खेती हमारे बंजर होते चले गए,
और उस बंजर होते गए तो उसके जो टॉप सोयल जो हुई वो एकदम से सीमेंटेड टाइप की हो गया कि जब जैसे भी रेनफॉल हुआ तो इमिडिएटली रन ऑफ हो जाता था। और आप जितना एग्रीकल्चर लैंड को जितना आप खेती करोगे क्योंकि उसमें हल हल चलाएंगे आप, उसमें निराई गुड़ाई करेंगे, वो सबसे ज्यादा आपको आपके जो वाटर बॉडीज को रिचार्ज करेगा क्योंकि आप जितना खोदेगे उसको एग्रीकल्चर को निराई गुड़ाई करोगे तो उतना पानी आपका जमीन बारिश का पानी जमीन के अंदर जाएगा। इसकी इसके अलावा भी हमारा एक और भी ये मानना है मेरा जो पर्सनली मैं फील करता हूँ क्योंकि हमारे पास पहले डंगर गाय बकरी सब होता था गांव में, वो फ्री रेजिंग के लिए जंगल में जाते थे, लेकिन उसके जो खुर के निशान होते थे वो भी पानी को अवशोषित करने का बहुत ही अच्छा माध्यम होता था क्योंकि बारिश बारिश का पानी पड़ता था जमीन में और वो जो उसके खुर से जो बनते थे तो उससे पानी वाटर टेबल के अंदर जाता था। तो ये सारी चीजें, दूसरा एक बहुत सारे रोड कटिंग्स हो गया, गांव-गांव में रोडें चले गया वो, और उसको रोड को हमने डामर रोड बना दिया और जो बारिश का पानी जो होता है वो इमीडिएट रेनफॉल होता है, इमीडिएट रन ऑफ होके वो आपका नदी में जाता, आपके गदरे में जाता, गदरे से आप नदी में चला जाता, उसके बाद समुद्र में चला जाता। तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो एग्रीकल्चर को भी हमको प्रमोट करना चाहिए, जो हमारे जो बंजर जो खेत हो गए हैं सर उसको भी आबाद करना चाहिए ताकि वो कि ज्यादा से ज्यादा पानी को रिचार्ज कर सके। और प्लांटेशन ऑलमोस्ट प्लांटेशन तो इसका सबसे वो है नेचुरल। यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सर। खाती सर मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि हमारी समय सीमा की थोड़ी बाध्यता है। हाँ सर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमने एक सक्सेसफुली एक जैसा कि आपको आपको तो मालूम ही है हमारा देहरादून में शुक्लापुर एक जगह पे है और आसन रिवर की शायद नदी है, हम उसको हैस्को नदी भी बोलते हैं, वहां पर हमने एक जंगल को ट्रीट किया है, उसमें हमने ट्रेंचेस बनाए हैं, उसमें चेक डैम्स बनाए हैं और प्लांटेशन किया है। तो सर आज जो आसन रिवर की शायद नदी थी उसमें उसका डिस्चार्ज पहले 100 लीटर पर सेकंड था, आज की डेट में वो 1200 लीटर पर सेकंड उस रिवर का डिस्चार्ज था, उसमें वाटर मिल भी चल रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी जा रहा है इरिगेशन के लिए। तो ये सक्सेसफुल मॉडल अगर आप यहाँ पे कई सारे श्रोता बैठे हैं उनको देखना है तो इस ग्राउंड लेवल में देख के और उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। और मैं सर दुर्गेश सर का और आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पे अपनी बात करते हैं। धन्यवाद सर। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कर रहा हूँ भवतोष जी। ये जो शुक्लापुर मॉडल है हम लोगों ने यूसर के जो आपकी जलशाला है हम लोगों ने लगातार शुक्लापुर मॉडल को ये कहा है कि ये देखने लायक मॉडल है। डॉक्टर अनिल जोशी जी ने कमाल का जिस तरह से हेस्को ने वहां काम किया है और जो एक पूरा का पूरा नदी पूरी सूख गई थी और एक लगभग मेरे ख्याल से 48 हेक्टेयर का वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जिस तरह से रिजुविनेट पूरा का पूरा वो फॉरेस्ट बना है, वाइल्ड लाइफ आने लगी है और नीचे की पूरी नदी थी उसमें पानी आया, तो बड़ा कमाल का मॉडल है, देखने लायक है। हमने यूसर्क से जितनी इस तरह की स्ट्रेस वाटर बॉडीज थी इसकी लिस्ट भी शासन को दी थी क्योंकि यहाँ बहुत ही शीर्ष संस्थान के लोग हमारे पास है, वैज्ञानिक है, गोयल साहब हमारे पास है, मुझे लगता है कि वी हैव अ वे फॉरवर्ड क्योंकि इस तरह के प्रयोग हमारे पास है। मैं संजय जी इंदौर से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मैं चाह रहा हूं कि वो अपनी बात रखें क्योंकि नेशनल लेवल पे किस तरह से हम इसको ले जा सकते हैं और नेशनल लेवल पे इंटरवेंशन क्या हो रहे हैं इसके बारे में बताएं, फिर मैं डॉक्टर गोयल को भी आमंत्रित करूंगा। संजय जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आपकी आवाज आ रही, बोलिए जी। धन्यवाद, मैं केवल 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा कि पूरे भारत के हर जिले में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो नदियों को, तालाबों के बारे में, जंगल के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज ला चुके हैं। तो ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे संगठनों को एक साथ लाने की जरूरत है ताकि सब लोग ये महसूस कर सकें कि ये जो सक्सेस स्टोरी है वो
हमारे अपने हैं, जब ये भावना आ जाएगी तो अपने आप से हर काम के प्रति हर व्यक्ति का या पूरी जनता का सहयोग हो जाएगा, जो अभी थोड़ा मिसिंग है। दूसरी तरह से एक बड़ा काम और है, वो भी काम अभी किन्हीं भी द्वारा किए गए हैं, उन कामों को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि वो काम और अधिक सस्टेनेबल हो और कम कॉस्ट में हो और आसानी से हो। तीसरा एक रियल डाटा की बात है कि हर जगह पूरे देश में नदियों के बारे में, तालाबों के बारे में, कुओं के बारे में, छोटे वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में या बोरवेल के बारे में रियल डाटा की ऑल टाइम की अवेलेबिलिटी की जरूरत है। ये सारे काम करने के लिए पूरे देश में हर जिले में सैकड़ों हजारों की तादाद में युवा लोगों को स्पेशली ट्रेन करना होगा, जिसके लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम हम लोग शुरू करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरे लक्ष्य पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम मान के चल। धन्यवाद। हेलो जी संजय जी, बोलिए बोलिए। मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। अच्छा, मैं आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही और इसी दिशा में, क्योंकि हम लोगों का मूल रूप से हमको लगा कि वाटर एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप यहाँ आए भी तो वाटर एजुकेशन के लिए हमारे वहाँ डॉक्टर होतोष शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र राणा, ये दो वैज्ञानिकों ने अपना ये शुरू किया जलशाला बनी। आपको अच्छा लगेगा कि पूरे देश भर से वहाँ विद्यार्थी आते हैं, वहाँ शिक्षार्थी आ रहे हैं, रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज, कमाल का काम हो रहा है इस बीच में भी, क्योंकि नेचर ने ये रिबूट किया है, सब लोग बराबरी में आ गए हैं, नदियां तालाब नाले साफ होने लग गए हैं, है ना, आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा मौका मिला है, जिसके ये कोविड का जो हमारे पास इसमें अदर साइड ऑफ कोविड है, इसका हम लाभ उठा के अपना कम से कम वाटर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, वाटर रिसर्च और तमाम सारी चीजों को, वाटर साइंस, वाटर एजुकेशन को जोड़ के बड़ा बेहतरीन काम कर सकते हैं, क्योंकि देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन और वी हैव ब्रिलियंट माइंड विद अस, जो उत्तराखंड में एक से एक हमारे पास लोग हैं, अभी FRI के लोग जुड़ रहे हैं, इस तरह से कई लोग हमारे पास हैं, डॉक्टर गोयल अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कई चीजें ठीक डायरेक्शन में जाएंगी। बहुत खुशी आप उत्तर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, संजय गुप्ता सर का बहुत 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 धन्यवाद कि हमारे हमारे साथ जुड़े हुए थे, और खाती जी का बहुत बहुत धन्यवाद अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है, वहां से वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और आर मोड डिवीजन जो है उसके HOD हैं, और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे NIH रुड़की के द्वारा पूरे देश में काम किए जा रहे हैं। और आपके बारे में छोटा सा परिचय ये है कि आप भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में रहे हैं, विज्ञान प्रसार में भी आपने अच्छा बड़े पदों पर कार्य किया है, और NIH के अंतर्गत आप बहुत से बड़े बड़े कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है, और यूसर को निरंतर आपका सहयोग मिलता रहता है, और यूसर ने जो अपना मैनुअल बनाया था उसमें आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला था, यूसर का आपका धन्यवाद करता है। सर आपको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप हम सभी जो हमारे प्रतिभागी ऑनलाइन जुड़े हैं सभी को अपने वक्तव्य से अवगत करेंगे। सर बोलिए सर, प्लीज सर। थैंक यू भवतोष, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। हाँ सर, सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, हेलो। जी सर आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर पंत। आप मुझे संक्षेप में ही बोलना है, बाकी जो वाटर एजुकेशन का टॉपिक आपने किया है, वाटर एजुकेशन सेंसिटाइजेशन, इसमें जो फॉर्मल एजुकेशन है वो तो किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में हो ही रहा है, या दूसरे माध्यम है, न्यूज़लेटर है, जर्नल्स हैं, कुछ मेरे सजेशन है जो हम इसमें और सोच सकते हैं। जैसे आपने कहा कि यूसर्क में भी भवतोष और राणा जी एक्टिविटीज करा रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम अगर हम और प्लान, जिसमें NIH है, स्यूटन है, उनमें या हेस्को है,
PSI है, इनके माध्यम से हम बहुत से एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम छोटे छोटे प्लान कर सकते हैं और उसमें बच्चों को स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि बहुत सारे रियल लाइफ के इश्यूज हैं जो देश के सामने हैं, जैसे हमारे फ्लड्स की समस्या है, ड्राउट है, क्लाउड बस्ट होता है, या पॉन्ड को रिजुविनेट करना है, नदियों को रिजुविनेट करना है, या वाटर कंटेमिनेशन की समस्या है, इवन जैसे अभी COVID-19 है, इसमें भी सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है बच्चों को कि वाटर का कंटेमिनेशन होगा या नहीं होगा। लेटर्स अगर हम प्लान कर सके ऑन रियल लाइफ इश्यूज तो वो भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है सेंसिटाइजेशन के लिए। बाकी जो हमारे और माध्यम है उनको तो हम चलाएं, साथ में कुछ और ये नई एक्टिविटीज हम प्लान कर सकते हैं, पॉपुलर लेक्चर्स और एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम्स। ये दो मेरे सजेशन हैं। बिल्कुल समय बिल्कुल सर आपके सजेशन हमारे संस्थान से सहयोग की आवश्यकता होगी वो हम लोग तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। गोयल सर आपने हमें सपोर्ट किया है, पहले भी सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करने के लिए आपने हमें कहा है कि NIH हमेशा यूसर को सपोर्ट करेगा और यूसर निश्चित रूप से कुछ ऐसा प्रयास करेगा कि प्रदेश के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको हम रिज्यूमिनेट कर पाएं, उनकी वाटर क्वालिटी की स्टडी कर पाएं या पब्लिक अवेयरनेस कर पाएं, स्टूडेंट्स को भी हम उसमें रूप इन कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर गोयल सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। अब मैं अपने यूसर के निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया आगे का हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि कार्यक्रम को अब कितना हम क्या कैसे करके करना है, प्रतिभागियों के प्रश्न रखें सर या कुछ और हमारे कोई एक्सपर्ट अगर बोलना चाहेंगे सर। नहीं, हमारे एक्सपर्ट जिसमें हैं FRI से हैं, जो हमारे बोलना चाहते हैं संक्षेप में अपनी बात रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इसका पूरा का पूरा एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट तो बनेगा ही, लेकिन एक ये वे फॉरवर्ड हो सकता है स्पेशली इन द वेक ऑफ कोविड किस तरह से होगा। हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र में 2-2.5 लाख इस समय यूथ अभी आ रहा है जैसा कह रहे हैं, तो हमारे पास क्या वाटर रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या इश्यूज नए इमर्ज करेंगे। अभी तो हमारे पास जैसा मैंने कहा था वी हैपन टू हैव वेरी गुड रेनफॉल, इट अप्रैल रहा है, लेकिन अभी समर्स में क्या जो स्ट्रेस हमारी वाटर बॉडीज हैं क्या होगा, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और आपके अच्छे एक्सपर्ट्स हैं इसमें। अभी जो हमारे पास हैं यहाँ एक्सपर्ट जो बोलना चाहते हैं दे कैन प्लीज कम इन, अपनी बात रखें और अच्छा लगेगा क्योंकि वी हैव गैलेक्सी ऑफ एक्सपर्ट्स विद अस। जी सर, थैंक यू सर। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर नौला फाउंडेशन नौला इंडिया से सर महेंद्र बनेसी जी जुड़े हुए हैं अल्मोड़ा से। तो महेंद्र जी आप प्लीज शॉर्ट में ही, समय की बाध्यता है, कृपया अपना संक्षेप में अपना वक्तव्य देने का कष्ट करेंगे श्री महेंद्र बनेसी जी नौला फाउंडेशन से। और नौला बहुत अच्छा कार्य कर रही है, खास करके आप लोग जिस प्रकार के वेबिनार कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो या पानी से, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि पंत सर के मार्ग निर्देशन में साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, अनेक प्रकार के आप सेमिनार कर रहे हैं जिस प्रकार से, तो हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है ये। और रही बात पानी बचाने की, तो यही समय है जिस समय हम लोग काम कर सकते हैं, तो यूसर के मार्ग निर्देशन में हम लोग उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कई गांवों में काम कर रहे हैं और हमें देखने लायक उनमें रिजल्ट्स भी आ रहे हैं आज। जैसे थामण एक हमारा रोल मॉडल गांव है जहां पे कि हम एक दो नौलों को रिवाइव करने में सक्सेसफुल भी हुए हैं और वाटर प्लांटेशन की कई ड्राइव्स चला रहे हैं हम उस गांव में। तो ये
इस प्रकार से नोला फाउंडेशन काम कर रहा है अभी। धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बनीसी जी कि हम में कुमाऊं रीजन में नोला फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे नोलों को पुनर्जीवित किया गया है और प्रतिदिन वहां कुछ न कुछ गतिविधियां फील्ड में होती रहती हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे एफआरआई से जो जुड़े हुए थे डॉक्टर अमरिंदर, यदि कुछ बोलना चाहेंगे। डॉक्टर अमरिंदर जी क्या जुड़े हुए हैं? राजेंद्र राणा जी को ले लीजिए। आज सर हमारे साथ पौड़ी से जुड़ गए हैं, पहले हम उनको ले लेते हैं सर, उसके बाद राजेंद्र राणा जी को ले लेंगे। पौड़ी से सर हमारे साथ अभी जो अभी जुड़े, बिल्कुल हमारे साथ पौड़ी से डॉक्टर किरीट सेमवाल जी जुड़े हुए हैं, तो मैं सेमवाल जी से अनुरोध करूंगा। डॉक्टर किरीट सेमवाल जी कृपया संक्षेप में अपना वक्तव्य देने का कष्ट करेंगे। सिमाल जी आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर किरीट जी, डॉक्टर सिमाल जी क्या आप सुन पा रहे हैं? तब तक और किसी को ले लीजिए। ठीक है डॉक्टर सिमाल जी जब तक हमसे जुड़ते हैं, मैं अपने यूसर के साथी वैज्ञानिक जो नदी पुनर्जीवन केंद्र में और जलशाला में वाटर से संबंधित गतिविधियों में जो वाटर क्वालिटी एटलस का कार्य चल रहा है या स्मार्ट यू क्लब की गतिविधियां चल रही हैं, तो हमारे साथी डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना संक्षेप में कुछ वक्तव्य देंगे कि यूसेफ द्वारा और क्या क्या किया जाना है, क्या क्या कर रहे हैं भविष्य में, थोड़ा सा बोलेंगे आप भी प्लीज सर। डॉक्टर राणा जी डॉक्टर राणा जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। डॉक्टर राणा जी अब तक डॉक्टर मंजू को ले लीजिए, वो दिखाई दे। सर एक एक गंगा पर एक मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं, क्या उनको ले लें पहले सर? जी सबको लीजिए ना जी। मोहित जी ये श्री मोहित जी हैं जो शोध विद्यार्थी हैं, लेकिन ये गंगा की मंथली बेसिस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मोहित कुमार जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से जुड़े हैं। तो मोहित जी थोड़ा सा संक्षेप में आप ही अपना वक्तव्य देंगे क्या? मोहित जी बताइए बताइए। जी जी सर नमस्कार। सर हेलो हेलो। हाँ जी सर नमस्कार। भावतो सर नमस्कार। मोहित जी सर बहुत बहुत नमस्कार। सर नमस्कार आप बोलिए प्लीज। जी जी सर मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, पीएचडी की रिसर्च जो है मेरी, जो गंगा के ऊपर मैंने काम कर रहा हूँ वो हरिद्वार में हर की पौड़ी है, जटवाड़ा, मतलब हर की पौड़ी पूरा, और ये आपका हो गया जटवाड़ा पुल से लेके प्रेमनगर आश्रम, बहुत सारी साइट है मेरी। उन पर क्या है कि मैं फिजिकल और केमिकल पैरामीटर दोनों उन पर काम कर रहा हूँ, और यूसर के माध्यम से सर हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जो अवेयरनेस कैंपेन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, वाटर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारे काम है। उसके अलावा सर हम क्या काम कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी में जो केंचुआ पालन का काम हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो वो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ उसका खाद बनता है जो अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है पूरा, तो पूरी यूनिवर्सिटी का जितना भी वेस्ट निकलता है हमारी यूनिवर्सिटी में ही सर रिसाइकल होता है, और उसका जो खाद है वो हम गांव में भी डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, यहाँ पे मिल भी जाता है, तो सर अगर कोई जैसे ले जाना चाहे उसके लिए आसानी से अवेलेबल है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। राणा जी को ले लीजिए। बहुत बहुत बढ़िया। राणा जी डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा जी आ गए क्या? राणा जी प्लीज। हाँ मैं हाँ सर मैं आ गया हूँ, मेरी आवाज आ पा रही? डॉक्टर प्लीज सचिन अभी अपना वक्त हो प्लीज। बोलिए राणा जी। हेलो हाँ बोलिए बोलिए प्लीज राणा जी बोलिए। हाँ आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर भूतो शर्मा जी ने जैसे कि बताया कि
यूसर्क में हमने एक निजी पुनर्जीवन केंद्र की स्थापना की है जिसके अंतर्गत विभिन्न वाटर एक्टिविटीज, स्मार्ट इको क्लब एक्टिविटीज और गणितीय केंद्र की गतिविधियां चल रही हैं। तो आज के इसमें मेरा यही है कि हमारे साथ आज बहुत सारे वाटर पेज से जुड़े हुए एनजीओ एक साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो नोला फाउंडेशन हो या अलग अलग यूनिवर्सिटीज हो। रिस्पना पे हमारा काम चल रहा है, हमारा कोसी रिवर पे काम चल रहा है, नोलो पे हमारा काम चल रहा है, छोटे छोटे स्प्रिंग्स पे हमारा काम चल रहा है और शाही देवी समिति भी वाटर इश्यूज पे काम कर रही है हमारे साथ मिलकर के। तो इसमें मेरा सजेशन यही है कि चूंकि हमारे पास जो हमारी कनेक्टिविटी स्कूलों में बहुत अच्छी है, तो इसमें हमें एक वाटर वॉलंटियर तैयार करने की आवश्यकता है बड़े पैमाने पे, मास लेवल पे, क्योंकि बगैर हेलो जी बोलिए जी। हाँ, राणा जी बोलिए। अगर हमें गांवों में या हमारे दुर्गम इलाकों में वाटर को कंजर्व करना है और वाटर को नेचुरल वाटर रिसोर्स को रिचार्ज करना है, तो हमें ये सब चीजें हमें अपने ग्रामीण स्तर पे ही या स्कूल लेवल पे ही इसको डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि स्मार्ट इको क्लब के माध्यम से हम लोग जल्द ही इसमें वाटर वॉलंटियर तैयार करेंगे, ताकि उनको सिखाएंगे कि किस प्रकार से हम वाटर को रिज्यूनेट कर सकते हैं या कौन से प्लांट लगाने से वाटर बॉडीज जल्दी रिचार्ज होती है। धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर राणा जी। हमारे साथ में डॉक्टर सीमा भदौरिया मैम जुड़ी हुई हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया शो में मैम भी अपना संक्षेप में कुछ वक्तव्य देना चाहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा। डॉक्टर सीमा भदौरिया मैम जब तक मैम जुड़ती हैं तब तक मैं यूसी की डॉक्टर मंजू चंद्र मैडम यदि जुड़ी हुई तो अनुरोध करूंगा वो यूसर के अपने जो कार्यक्रम है और पानी से संबंधित विषय कार्यक्रम है जिसमें वो जूनियर इको टास्क फोर्स को देख रही हैं, तो मैं मंजू मैडम से अनुरोध करूंगा कि कृपया वो भी अपना वक्त देंगे। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो जी मैडम आपकी आवाज आ रही है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं सबसे पहले डॉक्टर भवतोष शर्मा को मैं बधाई देती हूँ कि आज जो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पे बहुत अच्छा वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इसपे मैं दो बातें बोलना चाहती हूँ। ये लोग तो डॉक्टर भवतोष शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र राणा जो है, इन लोगों ने हम लोगों ने यूसर्क में एक जलशाला के एस्टेब्लिशमेंट किया है जिसमें कि वाटर से संबंधित जल गुणवत्ता पे और जल की जितने भी कितना हमारी क्वांटिटी है राज्य में कितना रह गया उस पे वाटर एटलस ये लोग बना रहे हैं, वाटर उसकी एनालिसिस लैब में हो रही है। लेकिन जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वाटर कंजर्वेशन से, वो वाला पार्ट मैं देखती हूँ जिसको कि साइंस ऑफ सर्वाइवल प्रोग्राम जो यूसर्क में चल रहा है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसके अंतर्गत हम विभिन्न विद्यालयों के स्टूडेंट्स को हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है कि हम जिनको टास्क करते हैं और अगर विभिन्न विद्यालयों के स्टूडेंट्स को मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हमने इसमें जोड़े हुए हैं जिनको कि हम वाटर को किस तरह से कंजर्व करना है और आगे क्या रणनीतियां होंगी विभिन्न एनजीओस के माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और अभी जैसे कि गजेंद्र सिंह पाठक जी ने बोला कि हमें इस तरह की प्रजातियों का चुनाव करना होगा वाटर कंजर्वेशन के लिए जो कि सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है, जो कि हमारी भूमि को रिचार्ज करती हूँ जैसे कि बांझ बुरांस जो कि हमारे वाटर को भूमिगत जो वाटर की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करती है। दूसरा ये है कि हमें इसमें महिलाओं की भूमिका को हमें ज्यादा सक्षम करने की आवश्यकता है क्योंकि महिलाएं ही हमारे पहाड़ की रीढ़ है जो कि जिनको कि दूर दूर तक वाटर के लिए कई कई मीलों तक उन्हें ट्रेवल करना पड़ता है वाटर कलेक्शन के लिए। तो इस पे हमें फर्दर अभी रिसर्च की जरूरत है, शोध की जरूरत है कि किस तरह से हम उनके इस वर्कलोड को कम करें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, क्योंकि पहाड़ में हमारे नदी तो हमारे उत्तराखंड राज्य में इनफ
इनफ अमाउंट में हम लोगों पे रेन वाटर है, लेकिन उसको किस तरह से हमें मैनेज करना है, किस तरह से सस्टेनेबल यूज हो, उसके लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर अधिक विचार करना होगा। मेरे जो प्रीवियस हमारे जो स्पीकर थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, तो मैं इसमें यही अपना एक सुझाव देना चाहूंगी कि हमें महिलाओं को इसमें आगे लाना होगा, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमें प्रायोरिटी देनी होगी। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। और हमारे बीच में कोई यदि कोई बोलना चाहेंगे तो प्रतिभागी अगर कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। तो अगर कोई है तो नोडियाल जी से। हाँ जी 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 सर, जी सर। चलिए आज का सेशन मुझे लगता है काफी हम सभी के लिए लाभ रहा और निश्चित रूप से हम इससे लाभान्वित होंगे, परंतु ये जो कोविड 19 की जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम सभी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम कोविड 19 का जो महामारी है, तो इसी के साथ में अपनी बात को सूक्ष्म करते हुए हमारे यूजर को वैज्ञानिक है डॉक्टर ओम प्रकाश नोटिया जी, वो थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि उन्हें दो भूमिका अदा करनी है, तो वो विशेषज्ञ भी हैं, दूसरा हमारे कार्यक्रम का जो समापन का वोट ऑफ थैंक्स वो भी उन्हीं को देना है। तो मैं डॉक्टर नोटिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो चंपावत और पिथौरागढ़ में वाटर क्वालिटी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए डॉक्टर नोटिया जी। डॉक्टर नोटे जी प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे जो है अभी तक सभी हमारे जो है विशेषज्ञ लोग यहाँ पे आए हैं, सभी का मैं धन्यवाद और यहाँ पे आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यूसर के इस वेबिनार में आप आए, और चूंकि लगातार ही यूसर के द्वारा ये कोविड 19 के दौरान जो है विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम इसमें आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें से कुछ विशेषज्ञ परसों भी हमारे साथ रहे होंगे, कल भी हमारा प्रोग्राम था, एक हमारा जो है ई वर्कशॉप डेटा साइंस पे भी जो है 5 दिन का वर्कशॉप था, साइबर सिक्योरिटी पे हमारी वर्कशॉप थी, इसके अलावा कोविड 19 के क्या इफेक्ट और क्या इसमें जो है क्या कर सकते हैं उसपे भी हमारे जो है बड़ी परिचर्चा हुई, उसके अलावा वैदिक इंफॉर्मेटिक्स का कल जो है एक बहुत बड़ा उसमें जो है मीटिंग्स थी और वेबिनार था, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोग्राम यूसर के द्वारा जो है चलते आए हैं, चाहे वो जो है टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन से हो या अन्य विभिन्न माध्यमों के हो, हमारे ये यूसर के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन अभी भी इस ड्यूरिंग द कोविड 19 किया जा रहा है जो जब ये लॉकडाउन है। आज जहाँ तक बात है, हम आज जो है वाटर टेक्नोलॉजी की हम जो बात कर रहे हैं, इसी में यूसर को, क्योंकि आपने अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि यूसर के द्वारा एक जलशाला का भी एक स्थापना की गई है जिसमें वाटर से रिलेटेड विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं का विस्तार से उसमें जो है एनालिसिस किया जाता है, उसी में जो है चाहे जो है IoT बेस्ड वाटर क्वालिटी मेजरमेंट की बात हो तो वो इंस्ट्रूमेंट भी यूसर के द्वारा जो है बनाया गया है, उसमें उसको पेटेंट भी कर दिया गया है, क्योंकि मैं भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आदमी हूँ तो मेरा भी उसमें पार्ट रहा है। साथ साथ जैसे अभी डॉक्टर भौतूस जी बता रहे थे कि इसी बीच हमारा एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से यूसर का एक प्रोजेक्ट है, तो उसमें एज ए PI के तौर पर मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें हमारे रिसर्च स्कॉलर भी हैं, जिसमें कि हम अभी प्रारंभिक तौर पे पिथौरागढ़ और चंपावत जनपदों में रेडिएशन मेजरमेंट का काम कर रहे हैं, और साथ साथ जो है जो हमारे जो वाटर क्वालिटी है उसकी, वाटर की चाहे वो जो है नाले हों, धारे हों, और खास तौर पे जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो भी सोर्सेज वहां पे हैं, उसमें रेडिएशन का क्या मापदंड है, कितना उसमें है, तो उसकी जो है अभी हमने उसमें सैंपलिंग की है और उसका जो है मेजरमेंट चल रहा है, तो बहुत शीघ्र हम एक जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म से बताने में सक्षम होंगे, चाहे वो जो है हमारी यहाँ की नदियां हों, चाहे जो है कोसी नदी हो, चाहे रिस्मना नदी हो, चाहे कोई अन्य वाटर बॉडीज हैं, तो उसका जो है रिवाइवल से लेके और उसमें जो है वैज्ञानिक अध्ययन संपूर्ण रूप से करने का एक छोटे सा संस्थान जो यूसर्क है उसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। यूसर्क स्वयं तो करता ही है, उसके साथ साथ जितने भी हमारे राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी संस्थान हैं उनके साथ मिलकर के केवल जल में ही नहीं बल्कि अन्य माध्यमों भी, अन्य जो है जितने भी
बर्निंग जो टॉपिक्स हैं, जो जो है ज्वलंत मुद्दे हैं, ज्वलंत हमारी समस्याएं हैं, ज्वलंत वैज्ञानिक जो मुद्दे हैं उनपे जो है विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर के काम किया जा रहा है। तो मैं आप सभी का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब आए और जो है यूसर की इस मुहिम में आप सदैव हमारे साथ रहिएगा, तो निसंदेह तभी हम जितना भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया कार्यक्रम को समापन करने की अनुमति प्रदान करें, घोषणा करें। आदरणीय प्रोफेसर पंत सर, वेलकम सर। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद और इतना अच्छे महत्वपूर्ण डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, आगे हम इसको लेके जाए इस पूरी चर्चा को। इतने हमारे पास वैज्ञानिक संस्थान है, एक्टिविस्ट हैं, वॉलंटियर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अच्छा, वाटर कांट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, एयर कांट बी क्रिएटेड, तो इन तमाम सारी चीजों को हम इस समय देखें कि कोविड ने शायद ही हमारे लिए बैलेंस ही बनाया है, ये एक इक्वलाइजर पॉइंट है। Thank you.